अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कमाई का प्लेन टेक ऑफ होने से पहले हो जाइए तैयार, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मार्केट के आखिरी के 1.5 घंटे में कमाई के शानदार सफर पर, जहां होगा मार्केट से जुड़ा जबरदस्त एक्शन और हर एक मिनट आपके मुनाफे से भरा होगा। तो इस वक्त को रखिए याद और देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। तो वीरू आज बहुत नॉस्टैल्जिक डे है, क्योंकि आज देखिए इस प्रोमो का लॉन्च हुआ है और पिछले 15 साल से हम लोग आखिरी सौदा को देख रहे थे और आखिरी सौदा अब अगले हफ्ते से नाम बदलकर होने वाला है कमाई का अड्डा। तो 15 साल तक एक नाम रखा, लेकिन उसके बाद कुछ बढ़िया नाम जब जहन में आया तो देखिए नाम बदल रहा है, तो कमाई का अड्डा। लेकिन काम वही है, पहले जितनी कमाई आगे भी होगी। दिवाली का अवसर था तो हमने सोचा ये सही समय है नाम बदलने का। तो 15 साल से इस शो ने आपको पैसा बनाकर दिया है, वादा अभी भी यही है, नाम बदल रहा है लेकिन काम वही रहने वाला है। तो नए तेवर में और नए अंदाज में अगले हफ्ते से सोमवार से आप देखेंगे कमाई का अड्डा। जी हाँ, कमाई का अड्डा CNBC आवाज का अड्डा वाकई अगर आप देखें कुछ मैटर रखता है, आप जानते ही होंगे। और दीपावली के इस शुभ हफ्ते को हमने चुना है इस नई शुरुआत को शुरू करने का मेरे और हेमंत के साथ, देखिएगा 9 तारीख से। और वादा है आपको, वादा है आपसे कि एक से एक अच्छे मुनाफे के मंत्र, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे सेक्टर्स हो, हेमंत और मैं आपके लिए अपनी टीम के साथ, CNBC आवाज के परिवार के साथ और तमाम मेहमानों के साथ ला के देंगे। हेमंत बिल्कुल लाभ, और ये सब मेहमान कमाई के अड्डे में भी हमारे साथ रहने वाले हैं और ये जो पैनल है ये और मेगा होने वाला है। मिलवा देते हैं आपको आज के मेहमानों से। विलियम ओनील के मल्लेश जोशी साहब नए अंदाज में आपको नजर आएंगे कमाई के अड्डे में, आज भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे नाम उनको कैसा लगा। टेक्निकल राय देने के लिए आज हमारे साथ गावा जी जुड़ रहे हैं, राजेश पालविया साहब जुड़ रहे हैं, रचना वैद्य जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया जी भी हैं हमारे साथ। तो ये सब मेहमान आपको बताएंगे आज कहां पर है इनकी नजर, मार्केट में 2 दिनों की तेजी को ये किस तरह से रीड कर रहे हैं और खास तौर पर अमेरिका के जो चुनाव है जिसका सबसे बड़ा कवरेज आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर। सुबह सुबह 8 बजे एक अमेरिका से मेहमान होते हैं हमारे साथ, और आज एलआरआ कैपिटल के राज भट्ट साहब देखिए हमारे साथ सीधे लंदन से जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए क्या निकल कर आ सकता है, इन चुनाव से पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पर बात होगी राज भट्ट साहब से। इतना ही नहीं, फेस्टिवल सीजन देखिए अपने चरम पर है और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के CMD अंजन चटर्जी साहब से हम जानेंगे कि उनको किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मिठाइयां वगैरह देखिए खूब बिक्री होती है फेस्टिवल सीजन में, स्वीट बंगाल कैसा कर रहा है, इस सब पर बात होगी दरअसल चटर्जी साहब से इसी शो में। इसके अलावा सुमित आपको बताएंगे SBI पिडिलाइट SRF लूपिन के नतीजे कल कैसे आ सकते हैं, और हम देख रहे हैं 2 दिन से SBI नंबर से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, इवन लूपिन भी आज देखिए सुबह सुबह नतीजों से पहले तेजी की राय हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी थी। नतीजों का विस्तार से विश्लेषण होगा, इनके पोल्स आपके सामने रखेंगे, यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम चेक, भसीन जी देंगे 3 बजे भसीन जी के भरोसेमंद शेयर, BTST STBT आइडियाज तो होंगे ही और बाजार में रौनक है। तो नीरज भाई वापस से तैयार हो चुके हैं, बताएंगे कल का खिलाड़ी आज 3:15 बजे जरूर जानिएगा उनसे, 3:15 है इसको ठीक करेंगे डॉक्टर साहब, तो 3:15 बजे आपको बताएंगे दरअसल कल का खिलाड़ी आज कौन सा स्टॉक नीरज अपने पिटारे से निकाल कर ला रहे हैं। तो वीरू एक्शन भरपूर रहने वाला है इस शो में। जी हाँ, एक्शन भरपूर रहने वाला है। लुक एट बैंक निफ्टी और क्या गजब का मूव दिया हेमंत इसने। आइए हेमंत और मेरी जो अप्रोच है उसको अब क्रमबद्ध तरीके से समझ लेते हैं। देखिए डेटा देखिए और लेवल्स देखिए, और देखिए सुबह आपको मैंने निफ्टी पे टारगेट दिया था, जाके देख लीजिएगा 11,830 का। अभी का अगर आप देखें निफ्टी का हाई वही है 11,830 का। बतौर डे ट्रेडर मेरे को मिला है बहुत कुछ, लेकिन याद रखिए अब डेटा क्या कहता है वो समझ लीजिए। देखिए अगर आप आज का डेटा देखें ना, 830 तो मिल गया आपको, वो था कल के डेटा के अनुसार, लेकिन अभी का डेटा इस बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले ये कहता है कि कॉल राइटर नहीं है। 700 और 800 के बीच में जो लेवल मेरे पीछे खड़ा है वहां 27 लाख पुट बिकी हैं इस बड़े इवेंट से पहले। हमने कल भी देखा था FIs ने 22,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट बेची थी, 1753 करोड़ रुपए का ऑप्शन बेचा था, तो वो चीज पुश होके अब ऊपर आ रही है, उठ के ऊपर आ रही है। पुट राइटर 700 पे आ गया, 750 पे आ गया, 800 पे। तो मैं क्या करूंगा अगर मैं अपने फ्यूचर्स को बुक कर चुका हूं, बताओ ट्रेडर, इतना ही प्रॉफिट जितना मेरे को आज मिला है ना,
याद रखिए, मैं दो ट्रांचेस में 11900 की कॉल खरीद लूंगा। इस ग्लोबल इवेंट को प्ले करने के लिए बुधवार और गुरुवार के लिए 11900 की कॉल, ये मेरे को सबसे अप्रोप्रिएट लगती है विद द लीस्ट रिस्क। ये है निफ्टी पर व्यू, क्योंकि निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है चार्टिकली। बैंक निफ्टी में मेरा सुबह का टारगेट था 25500, वो अचीव हो गया फर्स्ट ट्रांच में, लेकिन बैंक निफ्टी अब ओवरशूट करके ऊपर आ चुका है। बैंक निफ्टी का डेटा समझ लीजिए, बैंक निफ्टी में डेटा ये है 25,000, 25,100, 25,200, 25,300, 25,400 और 25,500 में, यानी मौजूदा सीएमपी के लगभग 150 पॉइंट नीचे से लेकर लगभग 650 पॉइंट नीचे तक गजब की पुट राइटिंग हो रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि अगला कॉल लेटर खड़ा है 26,200 पे। 26,200 याद रखिएगा, वही वो जोन है जो कि फरवरी 2019 के डिप का लो था। तो 26,200 तक के पॉसिबिलिटी बन रही है, स्टे लॉन्ग, अपनी प्रॉफिट को अपने पॉकेट के अनुसार लॉक करिए या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए, लेकिन रीजनेबल स्टॉप लॉस जो बनेगा वो है 25,400 का। अब हेमंत के अप्रोच को समझते हैं, दो प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा, पहले तो जनरल प्रोस्पेक्टिव और एक साथ ही साथ यूएस मार्केट और इलेक्शन रिजल्ट्स, उसके प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे। लेकिन पहले हेमंत, एक बाजार पे अप्रोच क्या रखें इस वक्त, और सुबह आपका फर्टिलाइजर क्या गजब मूव देखे यार, सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में और पहला सौदा में क्या गजब स्विंग मिले। तो पहली जनरल अप्रोच, और अभी भी देखिए दीपक फर्टिलाइजर के अच्छे नंबर्स आए हैं। आज सुबह सुबह स्टॉक 2020 में भी यही कहा था कि फर्टिलाइजर सेक्टर का आज दिन हो सकता है। दरअसल बहुत इजी होता है, देखिए एक कंपनी के अच्छे नंबर्स आए हैं, अब तो ऐसा नहीं होता कि एक ही कंपनी अच्छा कर रही हो, सेक्टर पूरा अच्छा कर रहा होता है। और रूरल सेक्टर के ऊपर हम काफी समय से बुलिश भी थे, फर्टिलाइजर सेक्टर पर आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए अप्रोच तेजी की है, और कल भी मैं आपसे यही कह रहा था सुबह सवेरे भी कि आपको मंदी तो नहीं करनी चाहिए, इतना बड़ा इवेंट है अमेरिका का इलेक्शन, उससे पहले देखिए मंदी मत करिए। दरअसल डिप्स में खरीदारी करने की राय ही दी जा रही थी, और आज सुबह भी देखिए बाजार खुलते ही तेजी करने की राय दी जा रही थी, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में रैली हो रही है। देखिए आपको बता दूं, आज का ताजा आंकड़ा यह है कि बैंक निफ्टी प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है। बैंक निफ्टी का आप 6 महीने का चार्ट दिखाइए, 1 साल का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब, और निफ्टी का चार्ट दिखाइए 6 महीने का और 1 साल का, अगर दोनों को एक साथ प्लॉट करके दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लोग समझ पाएंगे। देखिए निफ्टी तो पहले बढ़ रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी लैगार्ड था, ये नहीं चल रहा था, और देखिए ये अब प्री कोविड लेवल पर पहुंचता हुआ आपको नजर आया है। और ये शब्द बाजार को पसंद आता है, 25,600 के ऊपर देखिए ये निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, 11,800 के ऊपर देखिए निफ्टी निकल चुका है। अब तक बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों की कैचअप रैली के बाद अब ये भी निफ्टी को कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बढ़िया चीज है। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती होगी तो देखिए मंदी तो होने वाली नहीं है शेयर बाजार में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो लीडर है जो अब बाजार को आगे की तरफ खींचेगा, इसीलिए हम सुबह सवेरे भी वीरू आज दिखा रहे थे जैसे ही बाजार खुला कि ये बैंक निफ्टी वाली जो बुलेट ट्रेन है देखिए ये बाजार को ऊपर लेकर जाएगी। जब से बुलेट ट्रेन लॉन्च हुई है वीरू, क्या जोर से देखिए बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। अक्टूबर के महीने में HDFC बैंक के नतीजों आने के बाद देखिए एक चेंज ऑफ हार्ट लोगों ने अपनाया, फंड मैनेजर्स ने अपनाया, और अब सारे कंपनियों के नतीजे दिग्गज वाले आ चुके हैं, तो अब सबको समझ में आ रहा है कि एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि एक खाली इकलौता HDFC बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ICICI बैंक में रैली आज फिर से देखिए नतीजों के बाद देखने को मिल रही है, एक्सिस बैंक भी भाग रहा है, SBI से भी होप बनती हुई आपको नजर आएंगी, और सारे इंडसइंड बैंक में भी देखिए क्या गजब की रैली देखी जा रही है। यह तभी हो सकता है जब इकॉनमी सुधर रही हो, बैंक इसलिए नहीं चलते थे क्योंकि इकॉनमी को लेकर चिंता थी। अब आप देखिए अब आंकड़े जब अच्छे आने लगे GST वगैरह के और बाकी इकोनॉमिक डेटा अच्छा आने लगा तो बैंकों ने भी अब चाल अपनी बढ़िया वाली शुरू कर दी है। तो देखिए बैंक्स जब तक मजबूत हो तब तक शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वीरू। बैंक जब तक मजबूत हो शॉर्ट नहीं करना है बाजार को, लेकिन अब खड़ा है हमारे आगे यूएस मार्केट। याद रखिए यूएस मार्केट के अगेंस्ट इंडियन मार्केट्स ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन यूएस मार्केट को कोडेट करते हुए इंडियन मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, आइए समझते हैं हेमंत से। चलेंगे हेमंत के पास वॉल पे,
और इस पहलू को थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए आपको इस वॉल पर लेके जाता हूं। देखिए, यूएस चुनाव में अब आज हो जाएंगे वहां पर चुनाव, उनके यहां रात तक ये लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे और फिर 48 घंटे के अंदर अंदर देखा जाए तो देखिए नतीजे आ जाने चाहिए। और उससे पहले बाजार कैसे देखिए अपने आप को पोजीशन कर रहा है वो समझिए। अभी तक हम देख रहे थे कि बिडेन साहब की जीत को बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा था, तो आप देखिए क्या हो रहा था, बाजार डर रहा था, घबरा रहा था कि ट्रंप साहब हार रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में देखिए क्या हुआ है, ये जो दोनों के बीच की जो गैप है वो दरअसल कम हो गया है और बाजार अब जाकर ट्रंप साहब की जीत को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और बाजार में जितने भी शॉर्ट्स थे वो दरअसल कवर हो रहे हैं। ये अमेरिका में हो रहा है। इस समय देखिए क्या है, 270 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर कारोबार कर रहा है कल की बड़ी तेजी के बाद, 450 पॉइंट की रैली के बाद। इसका मतलब ये है कि बाजार को लग रहा है कि ट्रंप साहब सत्ता में वापस आ सकते हैं, इसको हम फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमारे लिए अगर अगले 24 घंटों का ट्रेड लेना है तो तेजी वाला होना चाहिए। कल सुबह सुबह भी यही ट्रेंड प्ले आउट हो रहा होगा, तो मंदी मत करिए। और लगता यही है कि इस इवेंट से पहले लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस को काट रहे हैं, जो लोग सोच रहे थे कि बिडेन साहब जीत कर आएंगे वो अब देखिए सोच रहे हैं कि नहीं, कांटे की टक्कर है, हो सकता है ट्रंप साहब की भी जीत हो जाए। लेकिन अभी तक देखिए है तो कांटे की टक्कर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रणनीति ये होनी चाहिए कि इस इवेंट को आपको तेजी की तरफ ही देखिए ट्रेड करना चाहिए, मंदी की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जीतेंगे तो ये एक काम करने वाले हैं, पैकेज देने वाले हैं और बड़ा वाला पैकेज आएगा। यू नेवर नो, पहली स्पीच में भी आ जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत डरने की बात है, हो सकता है ट्रंप साहब जीतने के साथ साथ पहला ही ट्वीट ये कर दें, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिले। इसलिए शॉर्ट ना करें, ग्लोबल बाजारों को देखकर यही समझ में आ रहा है। और हमारे यहां तो देखिए वैसे भी बैंक निफ्टी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, तो हमें अपने अपने खुद को देखें और नतीजों को देखें, वहां पर ट्रेड लें। और अमेरिका के बाजारों को देखकर अगर आप ये सोचें कि बिडेन साहब आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, जितने भी जानकारों से हमने पिछले 5-7 दिनों में बात करी है वो सब यही कह रहे हैं, ये दोनों में से जो भी जीतेंगे खराब नहीं होगा भारत का। तो इसलिए डरने घबराने की वीरू बिल्कुल भी इस इवेंट से पहले जरूरत नहीं है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, और कहते हैं ना डर के आगे ही जीत है, तो वो जीत कैसी होगी और किसकी होगी, और इसी ताने बाने को अगर आप देखें सुलझाने के लिए बातों के एक क्रम को शुरू करते हैं। और इस कड़ी में हेमंत और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं, श्री राज भट्ट, वाइस चेयरमैन सीईओ एलारा कैपिटल के। भट्ट साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और पूरी विश्व की निगाहें जो है इस वक्त यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में है, हम लोग इसी बात को लेकर अगर आप देखें बातें कर रहे हैं कि कौन आएगा और कौन भारत के पक्ष में होगा, कौन नहीं होगा। ट्रंप को पूरा भारत चाहता है कि वो दोबारा सत्ता पे काबिज हो, आपकी सोच क्या कहती है सर, और क्या लग रहा है आपको कौन सत्ता पे काबिज होगा वहां पे यूएस में? देखिए, इफ यू सी द मार्केट्स, द फाइनेंशियल मार्केट्स, द बेटिंग मार्केट्स, बाइडन इज स्टिल फेवरेट, आई थिंक 60-40 ईयर, बट यू नो इफ द बाइडन विंस विद सेनेट मेजोरिटी मार्केट विल टेक ऑफ बिकॉज देन the Democrats will have control of House and also Senate, and they will push through the large infrastructure and stimulus bill, and also the inner stimulus, which was stalled because of the differences between the two parties. So that's a very good outcome for the market. The Biden win with the Senate also taking, and also in case of Trump wins and he can control the Senate, that is also a good outcome because that's equally good. But if the Trump wins and he loses the Senate, that is not a good outcome for the market. But he'll be a lame duck president because he won't be able to take decisions. So that is a worry in the market that even if Trump wins, if he loses the Senate, what happens? Or the other worry is that in case there's an election dispute between the two because of the mailing ballots and the margin of victory is small. We remember that year 2000 when Al Gore and George Bush, it was decided over a period of a couple of months. So those are the worries in the market. If the Trump win with the, he loses the Senate and election dispute, these two outcomes are not market friendly. Biden win is market friendly. There's no problem with the market if Biden wins. If he, because
as far as India is concerned, the US policy is not going to change whether Democrats or Republicans. That's my view. सही है सर, आप तो आप कह रहे हैं बाइडेन भी जीतते हैं तो भी हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों के बीच में वॉर ऑफ वर्ड्स हो रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, दो घंटे पहले बाइडेन साहब कह रहे हैं अगर ट्रंप साहब और चार साल व्हाइट हाउस में बिता लेंगे तो पूरा प्लेनेट दिक्कत में आ जाएगा। ये बताइए हमें फिर क्या करना चाहिए, आप क्या स्ट्रैटेजी रख रहे हैं इंडिया में अगर कोई अनफेवरेबल इवेंट होता है जैसा कि आप कह रहे हैं डिस्प्यूट वाला मामला होता है और ये बात कोर्ट कचहरी तक वहां पर पहुंच जाती है और अनिश्चितता का दौर आता है तो आप खुद को किस तरह से प्लेस करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाइडेन भी खराब नहीं होंगे हमारे लिए, आप कैसे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं इस समय? बाइडेन मार्केट के लिए भी खराब नहीं होंगे, इट्स ओके, मार्केट हैज प्राइस्ड इन बाइडेन विक्ट्री, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मार्केट विल फ्लाई द बाइडेन विंस विद द सेनेट। हमारे व्यू तो यह है कि यू हैव सम अनसर्टेनिटी एज आई सेड दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट एंड ऑल्सो ट्रंप विन and if he loses the Senate. That uncertainty will obviously play in the market, and unless we have the result is out, we're talking about another 24 hours when we'll have indications. And as I think we need to, one needs to be prepared for the volatility in case the volatility does come from that. But the probability of that is not very high, I would say 20%. You know, 80% probability we'll have decisive mandate one way or other, you know. And as far as India is concerned, India, all the bad news is priced in. You know, only good news we're going to get from here onwards. Mm-hmm. And as we look at the pandemic also, it's surprising that, the numbers keep dropping as we keep opening the economy. And I think it'll be an interesting discussion, later on, why India's numbers keep dropping off as they keep opening the economy. That's a big surprise. And I'm sure we're going to get positive surprises from India in terms of economic numbers as we go along. And I think medium to long term, even short term, India is a fantastic place to invest. And we've seen FDI, so much FDI coming into India, strong foreign exchange reserves. So I think India is a very nice sweet spot for investment. सर एक चीज बताइए कि अगर आप लास्ट 7-8 महीने को देखें, स्पेशली मार्च की डिप को देखें, अप्रैल की डिप को देखें, डिप्स को DIIs डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी स्ट्रांगली बाय करते हैं और पुल बैक्स में या फिर हायर लेवल्स जो आते हैं वो FIIs के पार्टिसिपेशन के बाद ही आते हैं जब FIIs का पार्टिसिपेशन चरम पे होता है। पोस्ट दिस प्रेजिडेंशियल इलेक्शन फ्लो टूवर्ड्स इंडिया, फ्लो टूवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स, उसकी स्थिति कैसी देख रहे हैं आप? अभी भी हमको बहुत पॉजिटिव सरप्राइज देखने होगा इलेक्शन आउटकम, एज वी सेड कि आइदर बाइडेन और ट्रंप, बट वी हैव डिसाइसिव विक्ट्री वन वे अदर, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड इंडिकेशंस फॉर FIIs टू इन्वेस्ट आउटसाइड यूएस एंड इंडिया इज एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इंडिया नाउ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विद चाइना एंड जस्ट बिकॉज बाइडेन विंस डजंट मीन दैट यूएस चाइना प्रॉब्लम इज गोइंग टू गो अवे। चाइना विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम विद यूएस इन नेक्स्ट few decades because they will be competing with each other. और हमारे को उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो हाँ, I think India को बहुत अच्छा advantage है इस समय over because of the China की जो position है politically and geopolitically. So I think बहुत पैसा India में FIIs का आ सकता है। Not only जो आप portfolio investment की बात कर रहे हैं, FDI will come, lot of new plants, factories, investments and private space will also come, which we sometime we overlook because these are not listed companies. तो FDI भी आएगा, FII निवेश तो देखिए आ ही रहा है, अक्टूबर के महीने में हमने देखा था भर भर कर पैसा इक्विटी मार्केट में भारतीय बाजारों में लगता हुआ नजर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आकर अपनी राय अमेरिका के चुनाव पर व्यक्त करने के लिए। थैंक्स लॉट सर। एक बात आपको बताते जाता हूँ, बताइए सर प्लीज। आप लोग 1948 का US इलेक्शन देखिएगा जी, जिसमें जो डेमोक्रेट्स का जो कैंडिडेट था ही वॉज लीडिंग बाय और रिपब्लिकन लीडिंग बाय 6-8 पॉइंट्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल पे निकाल दिया कि विन हो गया। वो जो वहां का प्रेसिडेंट था, आई आर डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट ही वेंट टू स्लीप 1948 में कि हार ही गया मैं सुबह वन। सो समबडी हैड सेंड मी वन एनालिस्ट फ्रॉम द यूएस एनालॉजी which was quite similar to, so he was predicting that Trump is going to win on a similar fashion. Everybody written out he'll win. I'm also putting my money on the Trump,
ओके बट मार्केट इज यू नो मार्केट इज नॉट प्राइसिंग इन टर्म बट राइट नाउ जनरली. ठीक बात है सर. हम लोगों ने आज एक ट्विटर पर पोल किया, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और दर्शकों से पूछा कि भाई बताइए आप कहाँ वोट करेंगे. तो 60% लोगों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को, 33% जो बिडेन, और 7% पीपल हैव सेड कि नो आइडिया, पता नहीं कहाँ वोट करें. सो इन इंडिया ऑल्सो जो लोग हैं वो ट्रंप साहब को कह रहे हैं कि वो जीतेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तो आपने भी कहा कि आप भी यू आर पुटिंग योर मनी ऑन ट्रंप, बट यू नो इंडिया के लिए दोनों ठीक है, ट्रस्ट मी. ये हमारा परसेप्शन है. Biden win will equally equally good for India. India is not going to make a difference. And market will also fly. If the Biden wins with this Senate control, market will move up very fast. सही बात है. बाइडेन साहब को भी भारत आना होगा जैसे ट्रंप साहब आए थे, और दिखाना होगा कि मोदी जी के साथ वो खड़े हुए हैं. तो देखिए फिर एक परसेप्शन चेंज हो जाएगा. लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मूड माहौल ट्रंप साहब का बना है. जब से वो देखिए भारत का दौरा उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से किया है, वो परसेप्शन अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में जहन में बैठा हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. कल भी आपसे मुलाकात होगी, बात करेंगे. हम आपको फोन पर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, जो भी फैसला निकल कर आता है उसके ऊपर आपकी एक टिप्पणी कल फिर से. थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ इस समय गाबा जी जुड़ चुके हैं. गाबा जी ने सुबह ही अपना वोट डाल दिया था ट्रंप साहब के नाम, और मयूरेश जी ने भी कहा था ट्रंप साहब जीत सकते हैं. रचना जी से भी देखिए यही बात हुई थी. राहुल शर्मा जी सुबह हमारे साथ नहीं थे, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं. राहुल जी स्वागत है आपका, बताइए. इससे पहले मैं आपके शर्मा जी स्पेशल पूछूं, आप किसकी तरफ हैं, ट्रंप साहब की तरफ या बाइडेन साहब की तरफ? जी हाँ बिल्कुल यमन जी, देखिए दत्त साहब की बात से सहमत हूँ मैं. आई थिंक एज लॉन्ग एज क्लियर विक्ट्री आती है मार्केट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मार्केट इस पूरे इवेंट को एक तरह से पॉजिटिव तरीके से लेगा. आई थिंक वो डार्क हॉर्स पे बैठना चाहूंगा. ट्रंप ने टाइम एंड अगेन सरप्राइज किया है, मार्केट्स को सरप्राइज किया है, अमेरिका की इनफैक्ट दुनिया की जनता को. तो आई थिंक मेरा वोट ट्रंप की तरफ रहेगा. और जहां तक मार्केट की सवाल है, आई थिंक मार्केट का जो शेप है, ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप है, काफी बढ़िया है. आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स अच्छा सस्टेन कर रहा है, कोई भी नर्वसनेस नहीं है इंडिकेट पूरे मार्केट्स में. और इंडिया वीक्स जो कि एक इंडिकेटर है फियर का, वो कहीं भी दर्शा नहीं रहा है कि कोई फियर मार्केट के अंदर बना हुआ है. तो आई थिंक पॉजिटिव सेटअप है. अगर किसी को पोजिशन या पोर्टफोलियो हेज करना है तो 11,500 का पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है, जस्ट इन केस अगर कुछ नीचे रिएक्शन मार्केट्स में आए आने वाले कुछ सेशन में. तो 11,500 का पुट जो कि तकरीबन 95 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, हेजिंग के तौर पर इसे लेके जाला जा सकता है. पन मिनट पहले और डांस करते हुए एक उनका वीडियो है, थोड़ी देर में देखिए हम आपके सामने वो वीडियो भी पेश करेंगे. लेकिन क्या ये समझ में नहीं आ रहा सुमित, वहां पर आचार संहिता नाम की कोई चीज ही नहीं है, है ना? देखिए थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब अपने डांस करते हुए कह रहे हैं वोट वोट वोट, और जो बिडेन साहब कह रहे हैं कि अगर ट्रंप साहब जीतेंगे 4 साल के लिए व्हाइट हाउस में आएंगे, पूरा प्लेनेट कभी भी जिंदगी में रिकवर नहीं हो पाएगा. अमरीका छोड़िए, प्लेनेट की बात कर रहे हैं. तो इस तरह का देखिए माहौल वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और ये डांस वाला वीडियो थोड़ी देर में आपके सामने पेश करेंगे. पालविया साहब से भी जब तक एक राय ले लेते हैं. पालविया साहब, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका में सरकार किसकी बनेगी, ये बताइए आप किसको चाहते हैं, ट्रंप साहब से की तरफ ज्यादा आपका सॉफ्ट कॉर्नर है या बिडेन साहब भी आए तो ठीक? हेमंत जी देखिए कॉर्नर की बात करें तो ट्रंप साहब आए तो सॉफ्ट कॉर्नर वही है, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जब से रहे हैं बहुत सी जगह उन्होंने क्रिटिकल जंक्चर पे मार्केट को बचाने के लिए, या मार्केट जब भी कहीं भी एक मुसीबत में रहा है उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट करके मार्केट को जरूर संभाला है. तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रंप को हम फेवर करेंगे. बट मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं सहमत रहूंगा कि दोनों में से कोई भी आएगा इंडिया के लिए तो दोनों ही ही रहेंगे पॉलिसी मेकिंग और सभी डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रंप साहब अगर रहेंगे तो मेरे हिसाब से मार्केट और अच्छी तेजी से जो हमने देखी है पिछले दिनों में वो तेजी का रफ्तार और कंटिन्यू रहेगा, और हो सकता है कि इससे और तेज रफ्तार से मार्केट ऊपर जाते हुए दिखे.
है। तो जब जब डर लगता था बाजार गिरते थे, ट्रंप साहब का बयान आता था कि वी विल मेक यूएस बेटर, और यूएस चलता था तो हम लोग भी चल जाते थे। तो देखिए, अच्छा कभी भी कोई दिक्कत आती थी तो वो ट्वीट करते थे, शाम होते ही हमारा बाजार बंद होते ही हम लोगों को इंतजार खूब रहता था उनके ट्वीट्स का। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं मयूरेश जी भी। मयूरेश जी, वैसे पूरे चार साल ट्रंप साहब ने सबको सरप्राइज किया अपने ट्वीट्स कर करके, इतने ट्वीट्स मुझे नहीं याद आता किसी और दूसरे राष्ट्रपति ने अमेरिका के किए हों, बाजार के लिए खास तौर पर। बिल्कुल एमन जी, गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून वीरू जी और सारे पैनल को भी। एब्सोल्युटली राइट, जो राजेश जी कह रहे थे, आई थिंक अपना बाजार बंद होने के बाद उनके ट्वीट्स की आई थिंक राह देखते थे, अगर जब भी मार्केट में कोई भी वो सुबह ट्वीट्स कर करके अपना मार्केट्स को आई थिंक सुधार ला देते थे। तो यस, ट्रंप के लिए आई थिंक एक अनिश्चितता जो है, आई थिंक अनएक्सपेक्टेडनेस में वो जीत सकते हैं। 2016 में भी एमएनजी यही हुआ था, आई थिंक क्लिंटन की बात हुई थी और सरप्राइजिंगली आई थिंक स्विंग स्टेट्स लाइक फ्लोरिडा से आई थिंक ट्रंप साहब की आई थिंक विक्ट्री आई थी। बट ओवरऑल मुझे लगता है आई थिंक कोई भी आए, आई थिंक एक क्लियर मेजोरिटी के साथ आए, आई थिंक इंडिया विल नॉट गेट अफेक्टेड दैट मच, और स्टिमुलस पैकेज आएगा तो आई थिंक वापस लिक्विडिटी लेड तेजी बाजार में स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, तो कोई भी आए लेकिन शायद बीते चार सालों में जिन जिन लोगों ने लॉन्ग से पैसा कमाया है और स्पेशली जो पुलबैक्स ट्रंप साहब के ट्वीट के बाद आए हैं, वो तो यही चाहते हैं कि ट्रंप ही एक बार फिर से अगर आप देखें सत्ता में आए। निफ्टी डीआई की ट्रेजेक्ट्री में है, बैंक निफ्टी अभी भी डीआई की ट्रेजेक्ट्री में है। प्रकाश सर ने दो चीजों पर दाव लगाया है, याद रखिएगा, ट्रंप पे और थार पे। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून सर, इस वक्त का कोई ट्रेड, आप बजाज फाइनेंस पर टिप्पणी कर रहे थे, बजाज फाइनेंस डीआई की ट्रेजेक्ट्री में है, थोड़े ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं, आपका पहला ट्रेड क्या हुआ सर बताइए। बजाज फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, वेल बजाज फाइनेंस तो हमने कल बात की थी यहाँ पर और कल एक अपू मिला था बढ़िया, वो एक मेरे ख्याल से शायद 3 बजे के करीब के इसी टाइम पे वक्त था, मुझे अब भी इतना अच्छा लगता है 3600 देखने को लग रहा है। लेकिन अगर मुझे आज पूछते हैं तो मुझे लगता है हीरो मोटर्स यहाँ पर तेजी होनी चाहिए, अपू ऑन है, 3000 का टारगेट है, वहां तक जरूर चला जाएगा, स्टॉप अगर 2850 मौका मिलेगा ऑन द रॉन्ग साइड, यस हीरो मोटर्स। तो हीरो मोटर्स साहब, हार्ले पसंद है लग रहा है गावा साहब को, देखिए हार्ले इनका नया पार्टनर बनाया है और हीरो मोटर को बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा है, नंबर्स भी सबसे ज्यादा अच्छे टू व्हीलर्स में इन्होंने पेश किए थे, 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां इन्होंने फेस्टिवल सीजन में बेची हैं और अब देखिए अभी भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, अच्छा नतीजे आ रहे हैं बहुत सारे। अभी मैं देख रहा था कि जियोजित फाइनेंशियल्स के नंबर्स अच्छा है, 9 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधे 32 करोड़ हो गया, आप सोचिए 9 करोड़ वाला 32 करोड़ पर पहुंचता हुआ आपको इस समय नजर आ रहा है, क्या गजब की नंबर्स इस बार ब्रोकिंग कंपनियों ने देखिए पेश किए हैं, शानदार नंबर्स। और इस समय भारतीय एयरटेल के लिए हमारी टिकट टीम बता रही है महाराष्ट्र में 2 डेटा सेंटर खोलेगी सब्सिडरी, तो महाराष्ट्र में 2 नए डेटा सेंटर खोलेगी सब्सिडरी कंपनी महाराष्ट्र में 2 डेटा सेंटर खोलेगी, ठीक है, तो इससे कोई शेयर पे इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये नंबर्स काफी अच्छे आए। और डाबर एक और ऐसी कंपनी है, जब हम लोग बात कर रहे थे वीरू एलारा कैपिटल के राजभट्ट साहब से, तब उन्होंने अपने नंबर्स पेश किए थे और डाबर पिछले 2-3 दिन से हम लोग कह रहे हैं कि शेयर खरीद कर रखिए, बहुत ही बढ़िया नतीजे ये कंपनी पेश कर सकती है और शानदार नंबर्स डाबर ने देखिए पेश किए हैं, आपके सामने रख देता हूं, एफएमसीजी ग्रोथ करीब करीब 20% के आसपास रही है, बहुत ही बढ़िया सेक्टर, बहुत ही बढ़िया कंपनी के नंबर्स के बाद देखिए डॉक्टर साहब भारतीय एयरटेल हटा के अगर डाबर लाएंगे तो ज्यादा सही है, डाबर की बात हो रही है, भारतीय एयरटेल से कोई भी शेयर पर इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो इसे हटा दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, और डाबर को ले आइए। तो डाबर आप देखिए दिन के हाईस पर 2.5% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है, नंबर्स अच्छे आने के बाद यहां पर एक अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। डाबर पर एक चार्ट चेक दीजिए रचना जी, कैसा लग रहा है आपको, एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है और डाबर नंबर्स के आने के बाद यहां पर और ऊपर की तरफ मूव करता हुआ, प्रॉफिट बुक करेंगी या आपको लगता है स्टॉप लॉस लगाकर खड़ी रहें? डेफिनेटली इसमें एग्जिट करने के लिए कोई वो नहीं है रीजन मेजर, आप अगर पहले से एंटर करे हुए हैं, जब उसका मुंह आज सुबह भी शुरू हुआ था उस टाइम से, तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, और फिलहाल अगर आप एसएल को 512 या 515 के बीच में कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से, तो इसमें बने रहने का डेफिनेटली रीजन बनता है।
और 522 के करीब करीब थोड़ा इसको हर्डल फेस करेगा नियर टर्म में, बट अगर क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता है या तो कल सुबह अगेन इसके ऊपर ओपन होता है तो इसका जो राइज है वो कंटिन्यू होगा, और इन दैट केस जो लेवल्स हम देख सकते हैं वो 526 के देख सकते हैं और उसके बाद 530 and 533 के देख सकते हैं। बढ़िया नतीजे इस कंपनी ने पेश किए और देखिए स्टॉक इस समय दिन के उच्चतम स्तर पर टिका हुआ है। पर डाबर नंबर्स कैसे लगे आपको मयूरेश जी? बहुत जबरदस्त लगे, लेकिन उससे पहले आपने जो ट्वीट किया है ट्रंप साहब के डांस का, आई थिंक सबको देखना चाहिए। सर मैंने चैनल पर देखिए इस हिस्से में डाला हुआ है ये ट्वीट, एक बार फुल फ्रेम दिखा दीजिए मयूरेश जी ने, लग रहा है वो ट्वीट देखा है बहुत। देखिए हमने चैनल के इस कोने में वो ट्वीट चला रहे हैं, एक बार दिखाई, ये देखिए ट्रंप साहब मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये, अभी देखिए डांस करेंगे ये देखिए तो शानदार डांस कर रहे हैं ये देखिए, मतलब और डांस करते हुए अपने पिक्चर्स इन्होंने देखिए ट्वीट करे, मैंने तो सर रीट्वीट किया है, लेकिन बढ़िया लगा ना मयूरेश जी आपको इनका नाच? सारे मंदी करने वालों को देखिए डांस कराया है। जब भी ट्रंप साहब का ट्वीट आता है तो देखिए वो दिल से बोले, और बहुत ही शानदार ट्वीट्स किए इन्होंने पिछले 4 सालों में। अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इनकी कैंपेन देखकर तो ये समझ में आ रहा है लोग सैकड़ों के तादाद पे देखिए वहां पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ये आरोप भी लगाते हैं कि इनकी कैंपेन की वजह से कि लोग आते हैं और कोरोना लेकर जाते हैं, ये आरोप भी इनके ऊपर खूब डटकर लग रहे हैं। बट लेट्स सी क्या होता है, आउटकम क्या निकल कर आता है। चलिए सर वापस आते हैं डाबर पर। ये वैसे गाना जो है, ये जो डांस है, ये बहुत वायरल होगा आज और कल में, थोड़ी देर पहले 1.5 घंटे पहले देखिए इन्होंने ट्वीट किया है। डाबर के नंबर कैसे लगे सर आपको? बहुत बढ़िया हेमंत जी, और मैं देख रहा था टॉप से लेके आई थिंक बॉटम लाइन तक आई थिंक पूरी की पूरी बीट है। तो आई थिंक जो टॉप लाइन का अनुमान था, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस, आप ये देखिए कि जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है मेरे हिसाब से आई थिंक डबल टीन्स में आई है वॉल्यूम ग्रोथ इंस्टेड ऑफ हाई सिंगल डिजिट्स, आई थिंक ये बेहतरीन मानी जाएगी। और इसके वजह से आई थिंक जो मार्जिन्स एक्सपेक्टेड थे उसे आई थिंक 10 बिप्स कम आया, तो 22.8 थे 22.6 थे, तो आई थिंक बहुत ज्यादा मायने उसको देनी नहीं चाहिए, बट इवन दैट इज अ बीट ऑन अ वाई ऑन वाई कंपैरिजन, और बॉटम लाइन पे सीधा इसका इंपैक्ट दिख रहा है। दूसरी बात आई थिंक इनका तो प्रोडक्ट प्रोफाइल है हेमंत जी, आई थिंक सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से काफी एफएमसीजी कंपनीज को दिक्कत हुई थी लॉकडाउन की वजह से, बट अगेन आई थिंक विद डिमांड कमिंग बैक सिग्निफिकेंटली और क्योंकि प्राइसिंग इनके पास वापस आई है, सप्लाई चेन इन्होंने कम कर दिया है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स है। आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक कल सुबह तक आई थिंक काफी गोरे ब्रोकरेज के, आई थिंक फॉरेन ब्रोकरेजेस के आई थिंक अपग्रेड्स आ जाएंगे, जिनका सेल है वो अंडर परफॉर्म करेंगे, टारगेट प्राइसेस थोड़े रिवाइज करेंगे, बट मुझे लगता है आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स है, कोई दोहराए नहीं इसमें, और अपग्रेड्स आना लाजमी है स्टॉक पे बेस्ड ऑन द नंबर्स। अपग्रेड्स आना लाजमी है। डाबा के साथ बस एक दिक्कत है और वो ये है कि इस जोन में ये बहुत टाइम बिता चुका है, याद रखिएगा इसने फेब 2020 अगर आप समझ लीजिए जब ब्रेकडाउन बाजार में आया था उससे पहले का भी हाई यही है। एक अटेम्प्ट इसने अक्टूबर की सीरीज के सेकेंड हाफ में लिया 530 को वॉलेट करने का, वो नहीं कर पाया। मैं ये डेटा इसलिए आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा डाबर में 530 की और 520 की कॉल में और 525 की कॉल में कुल मिला के करीब करीब 22 लाख शेयर खड़े हैं, तो ये सबसे ज्यादा टर्बुलेंस वाला एरिया जो है ना वो है 520 से लेकर 530, ये 10 रुपए बहुत निर्णायक है। इस पर एक टेक लेता हूं, इनफैक्ट एक और एड डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव से, ये राहुल जी आप बताइएगा क्योंकि आप ऑप्शंस के आंकड़ों को बारीकी से देखते हैं, इसमें कोई कॉल ऐड करें या कॉल राइट करें इस बड़े स्पाइक के बाद, आपको क्या अच्छा लगता है डाबर को पोस्ट नंबर्स, इस स्पाइक को आप कैसे प्ले करेंगे? जी हाँ वीरेंद्र जी, के डाबर का अगर हम चार्ट की बात करें तो इसमें स्टॉक में अभी भी आई थिंक अपसाइड बाकी है, टेक्निकली 540-550 तक की अपसाइड पोजिशन देखने मिल सकती है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक स्पाइक आने के बाद भी ऑप्शंस में अनवाइंडिंग नहीं है, इनफैक्ट 520-530 के कॉल ऑप्शन में, इनफैक्ट 540 में भी अच्छी खासी एडिशन हमें आज के सेशन में देखने मिली है, और चूंकि नंबर आ चुके हैं आईवीज भी इसमें डिक्रीज हुआ, तो आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन बाय करने के लिए बहुत फेवरेबल है। 530 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 15 रुपए के आसपास, इसे बाय करके चले आई थिंक 10 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें मुनासिब होगा, और ऊपर में मुझे लगता है कि तकरीबन ये 25 से 28 रुपए तक की अपसाइड देखने मिल सकती है। तो डाबर में 530 का कॉल ऑप्शन लेके चलिए, स्टॉक में अभी भी अपसाइड है, बनी रही तेजी के अंदर। तवा देखिए गजब की रैली दिखाएगा ये स्टॉक, वॉल्यूम ग्रोथ 16.8% का रखा, केवल वही आंकड़ा रखिए स्क्रीन पर, टिकर टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ
16.8% वॉल्यूम ग्रोथ किसे कहते हैं? तो बड़े अपग्रेड्स आएंगे कल, तो आप देखिएगा। आप ये आंकड़ा जब आ गया है सामने, तो फिर तो देखिए डरने घबराने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत वाली बात नहीं है। फैंटास्टिक नंबर्स देखिए इस कंपनी ने पेश किए हैं। और देखिए ये देखिए आंकड़ा आ गया, 5-7% का अनुमान हो, अब 7 वाला 10 हो जाए तो चलिए पॉजिटिव सरप्राइज होता है, लेकिन 16.8% का वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा डोमेस्टिक का, मतलब गाँव में रूरल में डाबर का वैसे भी देखिए फ्रेंचाइजी इतनी मजबूत थी। लगता है वीरू देखिए हम लोगों ने शहर में भी खूब च्यवनप्राश खाया है, तो गांव वाली ग्रोथ तो थी ही, शहर वाली ग्रोथ भी ऐड होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए जिनके हाईस पर ये स्टॉक पहुंच जाएगा, इसीलिए मैंने इसकी चर्चा करनी शुरू करी। ये बहुत ही बढ़िया नंबर है, और ये फिर देखिए ज्योति 4 को नंबर आएंगे, इमामी 5 को नंबर आएंगे, ये सारे के सारे FMCG स्टॉक्स जो है वो फिर फोकस में रहने वाले हैं। ITC से होप कम है, लेकिन ये वाली जो कंपनियां हैं खाने, ये देखिए अब ये दिन के हाईस पर निकलता हुआ ये जो वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा है, इसने दरअसल पॉजिटिवली सरप्राइज कर दिया है। अब दिन के उच्चतम स्तर पर डाबर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। जनरली होता ही है कि नतीजे आने के बाद सेल ऑन न्यूज हो जाता है स्टॉक, लेकिन ये देखिए होने की तैयारी नहीं कर रहा लग रहा है। मयूरेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मयूरेश जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल हेमंत जी, और ये डबल वॉल्यूम ग्रोथ का जो आंकड़ा है हेमंत जी, दैट इज कम एट द बेस की मार्जिन्स मेंटेन किए हैं। सही बात है। कभी क्या होता है कि वॉल्यूम करने के लिए मार्जिन्स आपको घटाने पड़ते हैं, प्रमोशन आप करते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं हेमंत जी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत सही कहा आपने, इस सेक्टर को क्लोजली देखिए सुमित भी ट्रैक कर रहे हैं। सुमित आप के लिए तो मैं बढ़िया मतलब काम हो जाएगा, 5-6% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान लगाया बैठा था, 16% नंबर देखकर तो मैं भी चौंक गया। अब इमामी के नंबर है जो वेटेड है, अमृतांजन एक है जो कि नंबर्स देने वाला है, उसके नंबर अभी आए नहीं, और वो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, और तो हो सकता है उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट आता हो दिखाई पड़े। सही बात है, तो अमृतांजन वगैरह ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए फोकस में रहने वाले हैं, इनके ऊपर नजर जरूर होनी चाहिए। 413 का भाव अमृतांजन का आपको इस समय नजर आएगा। तो डाबर का वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। ये बताइए डाउ फ्यूचर तो देखिए आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, 315 पॉइंट ऊपर। कुछ देर पहले जब हमने डाउ फ्यूचर की शुरुआत करी थी तो डाउ फ्यूचर था 225 पॉइंट ऊपर, और अब 300 पॉइंट की तेजी है। डांस का इंपैक्ट है जो आपने देखा अभी ट्रंप साहब डांस कर रहे हैं, तो देखिए भाग रहा है डाउ का फ्यूचर, तो तेजी हो रही है। बताइए कौन से नतीजे से शुरुआत करेंगे? SBI से शुरुआत की जाए सबसे तो ऑब्वियस बात है, दिग्गज नंबर्स आएंगे, SBI के नंबर्स जो आने वाले हैं उसको मार्केट कीनली वॉच करने वाला है, किस तरह के आंकड़े आएंगे, क्योंकि PSU बैंक्स में जो अब तक नंबर आए हैं वो बहुत बेहतरी देखने को मिले हैं, सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर जो है काफी साउंड आया, तो अब ये नजर रखनी होगी SBI किस तरह के नंबर देता है। खास तौर से शुरुआत करते हैं पोल के साथ, करीब करीब 24,600 करोड़ से बढ़ के 27,000 करोड़ रुपए के आसपास इनका NII आने का अनुमान है, जो कि करीब 1.5% सीक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ेगा और 10% के आसपास YOY बेसिस पे बढ़ेगा। मुनाफे फ्रंट पे 3,682 करोड़ जो कि 3,011 करोड़ से बढ़कर आएगा, YOY बेसिस पे करीब 22% बढ़ेगा, हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पर ये 12% टूटेगा। पिछली बार एक वन टाइम गेन था वो SBI लाइफ में जो स्टेक बेचा था उसकी वजह से, तो वो एडजस्टमेंट को अगर आप हटा देंगे तो यहां पे भी नंबर्स मोरलेस फ्लैट आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अच्छा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला स्लिपेजेस का आंकड़ा 3,910 करोड़ पिछले क्वार्टर में था, इस बारी 4,000 करोड़ का आने का अनुमान, तो मोरलेस फ्लैटिश टोन पे नंबर रहेगा। इसके अलावा जो ग्रॉस NPA है वो 5% आएंगे जो कि पिछली बार 5.5% थे, तो 50 बेसिस पॉइंट की कमी बाजार मान के चल रहा है। नेट NPA भी मोरलेस इसी टोन में आते हुए दिखाई पड़ेंगे, वहां पर भी स्लाइट डिक्लाइन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। NIMs करीब करीब 3% पे स्टेबल रहेंगे, पिछली बार 3.01 थे, इस बार 3% के आसपास स्टेबल रहेंगे, तो नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे बेहतर होंगे, YOY बेसिस पर भी बहुत खराब नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे नंबर आप वहां पर भी अनुमान लगा के चल सकते हैं। तो आपने देखिए सुमित से सुना कि एग्जैक्टली स्लिपेजेस की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, 4000 करोड़ रुपए की NIMs, साथ ही साथ अगर आप देखें ग्रॉस NPAs NPAs, और एक और चीज याद रखिएगा इसमें, जो बैंक निफ्टी कर रहा है जो SBI के साथ हो सकती है वो है फीलिंग एग्जॉस्टेड। SBI जितना एग्जॉस्टेड अगर आप देखें पूरे PSU बास्केट में कोई स्टॉक नहीं है, ये अभी भी अगर आप देखें अभी भी उसी ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है जहां पे ये जून में ट्रेड करता था। मयूरेश अभी आपने एग्जैक्टली अगर आप देखें सुमित से रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन SBI की सुनी, एट अ प्राइस ऑफ 203 दो ही अगर आप देखें विकल्प है यहां पे, या तो अवॉइड या फिर बहुत ही भारी तरीके से एक्यूमुलेट करना है SBI को, आपकी अप्रोच क्या होगी? ये अभी भी बेस बैठा है, और अब एक डिफरेंशियल होता है तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में, विद इन बैंकिंग में, प्राइवेट में और PSU, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है कि पूछिए मत। आपका HDFC बैंक
200 रुपए 250 रुपए 200 डेमा से ऊपर है और आपका SBI अभी भी 30 रुपए 200 डेमा के नीचे है, कैसे प्ले करेंगे आप? रिजल्ट्स पे काफी कुछ निर्भर है वीरू जी, और जैसे सुमित जी बता रहे थे जो एक्सपेक्टेशंस है लोन ग्रोथ 6 से 8% स्लिपेजेस का आंकड़ा बहुत ज्यादा गाइडेड नहीं होगा तो वही रेंज में रहना चाहिए, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये बहुत अच्छी रही है फॉर SBI एंड फॉर बैंक इंडस्ट्री एज अ होल। तो दो चीजें आई थिंक, एक तो आई थिंक पिछले तिमाही में जो इनका PCR रेशियो जो प्रोविजन इन्होंने बढ़ा के रखे हैं बैलेंस शीट के ऊपर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइएस्ट प्रोविजन PCR कंपेयर टू एनी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक और ये दिग्गज बैंक compared to the others। दूसरा आई थिंक रिकवरीज और अपग्रेड्स पे फोकस रखना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द रीस्ट्रक्चर्ड बुक। तो मुझे लगता है आई थिंक रिकवरीज और अपग्रेड्स में अगर जबरदस्त इजाफा होता है तो आई थिंक नंबर्स कैन टेल अ डिफरेंट स्टोरी। अगेन आई थिंक एक रेंज में फंसा हुआ है वीरू जी, और एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक 180 ऑन द डाउनसाइड, 200 क्रॉस करने में काफी दिक्कतें होती है, 200 होती है तो आई थिंक सतपुते जी अपने लड्डू बांटते हैं, बट आई थिंक 212 क्रॉस करने के लिए आई थिंक इसको आई थिंक एक फर्स्ट लेवल करना पड़ेगा, बट द रेंज दैट दे आर कॉट स्टक इन इज बिटवीन 180 एंड 220। तो आई थिंक ये 220 की लेवल निकालना बहुत जरूरी होगा, वो वही होगा अगर रिजल्ट्स अच्छे आए, और रिजल्ट्स अगर थोड़े भी अच्छे हैं कंपेयर टू व्हाट द मार्केट इज एस्टिमेटिंग और मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी रही तो मुझे लगता है फिर ये बैंक निफ्टी की अपनी जो बुलेट ट्रेन है हेमंत जी और वीरू जी, आई थिंक ये चलती ही जाएगी, अगले स्टेशन तक पहुंच जाएगी। बैंक निफ्टी बढ़ेगा, SBI बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, टारगेट्स कौन से इंपॉर्टेंट है कल के सत्र में? 200 रुपए के ऊपर जाकर टिकने लगा है ये, कल भी देखिए इस पे बाय कॉल दिया था हमारे एक्सपर्ट्स ने। राहुल जी, SBI ये कहां तक जा सकता है मोमेंटम में इन द रन अप टू इट्स नंबर्स? कल दोपहर में जनरली इसके नंबर्स आते हैं। जी बिल्कुल, 200 का जो एक आंकड़ा है काफी स्टिकी आंकड़ा है SBI के लिए, और टेक्निकली इसने काफी अटेम्प्ट किया निकालने का, और रिजल्ट यूजुअली एक अच्छा बहाना होता है, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव मिल जाए तो वो रेंज क्रॉस कर जाता है। आई थिंक यहाँ पर अगर नंबर्स अच्छे रहते हैं तो आई थिंक आपको जो बुलेट ट्रेन है बैंक निफ्टी की उसे शायद एक हवाई जहाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहां पर स्टेट बैंक आपको 210-215 का आंकड़ा दिखा सकता है इमीडिएट लेवल्स के हिसाब से, और बैंक निफ्टी एक तरह से आपको 26,000 की ट्रेजेक्ट्री में ले जाएगा। तो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स, यहाँ पर 200 का जो आंकड़ा है इसके ऊपर यहाँ पर एक डिसाइसिव वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट अगर हमें देखने मिलता है तो स्टॉक के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अरे आप तो देखिए 26,000 का आपको बैंक निफ्टी हो जाएगा, यानी यहाँ से 400 पॉइंट और बढ़ेगा बैंक निफ्टी, 425-30 पॉइंट तो देखिए वो उस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो SBI का नतीजा सबसे इंपॉर्टेंट नतीजा होगा, और कल इस समय के करीब देखिए ये नंबर्स आता हुआ आपको नजर आएगा, आप उससे पहले ये स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपने नोट कर लिए। SBI में तेजी करने की राय आपको कल से दी जा रही है, अगर आपके पास ये शेयर है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए और होल्ड करिए इन द रन अप टू इस नंबर्स। एक और स्टॉक है जिससे उम्मीद है थोड़े अच्छे नंबर्स की, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। गम हो या खुशी इसका सेवन तो सुमित बता ही देंगे कैसा रहता है। सुमित, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, पोल क्या कहता है? यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर सबसे इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई पड़े हैं सारे नंबर्स में, ये पर्सनल वाला मेरा फेवरेट है। ओके, इसके नंबर थोड़े अच्छे आएंगे सीक्वेंशियल बेसिस पे। दो तीन वजह है, देखिए इसका जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें 80% तक की ग्रोथ की बात की जा रही है सीक्वेंशियल बेसिस पे, और YOY बेसिस पे भी वो मोलस फ्लैट रहेगा, लेकिन इसका जो रेगुलर वाला सेगमेंट है वहां पर करीब 70% की बढ़त इस क्वार्टर के अंदर, पॉपुलर सेगमेंट में करीब 70% की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ सकती है, रफली 546 करोड़ रुपए ये एक आंकड़ा यहां दे सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू सीक्वेंशियल बेसिस पे 73% बढ़ने का अनुमान है, पब्स बार्स वगैरह जो खुले हैं उससे भी डिमांड इनको थोड़ा सपोर्ट करेगी, और पिछली बारी बहुत लो बेस था तो वहां से एक इंपॉर्टेंट अपटिक आएगा। अच्छा, एबिटा फ्रंट पर पिछली बार घाटा था पिछले क्वार्टर में 78 करोड़ का, इस बार 266 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है घाटे के सामने एबिटा फ्रंट पर, और मुनाफे फ्रंट पर 215 करोड़ के घाटे के सामने 145 करोड़ का मुनाफा पेश कर सकती है। ऑलरेडी शेयर बहुत करेक्ट हो चुका है तो अब शायद यहां से बहुत ज्यादा कुछ खोने के लिए है भी नहीं, इसलिए आज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ खोने को है भी नहीं, आई मीन सुमित की लैंग्वेज भी अगर आप देखें यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बात करते करते ठीक अगर आप देखें वही वाली हो गई है, गम भुलाने के चक्कर में अगर आप देखें ये काम आता है, और गम गिन रहा है ये स्टॉक पिछले 3 महीने से, याद रख लीजिएगा 510, 505, 520 की ट्रेजेक्ट्री, यही अगर आप देखें इसमें मेंटेन रही है। मयूरेश जी, आपने सुमित को सुना अभी, क्या लग रहा है, आई मीन यूनाइटेड स्पिरिट्स ये बैठा है, आप समझ लीजिए, बता रहा हूं मैं आपको, 2018-19-20 इन 3 साल के लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक है, कैसे अप्रोच करेंगे आप? एक तो नंबर्स पे एक्सपेक्टेशन और आपकी राय क्या होगी इस प्राइस में, क्या रिवॉर्ड है इस प्राइस में?
नहीं तो सुमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई थिंक मैंने भी थोड़े चैनल चेक्स किए थे हमारे दोस्तों के यहाँ से, और आई थिंक जो बिक्री हो रही है आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड। तो प्रीमियम सेगमेंट की बात करें, इनके दोस्तों यहाँ से नहीं किया होगा वहां पे तो वॉल्यूम तो काफी ठीक ठाक आ रही है वीरू जी। तो आई थिंक जो एक लॉकडाउन का फेस था और जैसे अनलॉक में हम आ रहे हैं, आई थिंक दोनों B2C और B2B ये दोनों बिजनेस सेगमेंट्स में आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ वापस रिकू होनी चाहिए। B2B में स्पेशली आई थिंक जो होटल्स रेस्टोरेंट्स बार्स खुलेंगे यहाँ से आई थिंक ग्रोथ और भी बढ़ेगी Q3 Q4 में। तो Q2 में आई थिंक थोड़े मॉडरेट रहेंगे और बढ़ने के आसार है। दूसरा आई थिंक जो इनके इनपुट कॉस्ट रहते हैं आई थिंक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और ग्लास प्राइसेस आई थिंक इनसे थोड़ी दिक्कतें हुई थी EBITDA मार्जिन्स पे, जो सुमित एब्सोल्युटली कहे थे विद वॉल्यूम डीग्रोथ या जो सेल्स बिल्कुल नहीं हुए थे, फिक्स कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो बढ़े थे आई थिंक दैट क्रिएटेड इश्यूज। थर्ड आई थिंक जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उस स्टेट्स ने हाइक लिए और एक्सपेक्टेशन यही कि जो एक्साइज हाइक से अराउंड 57-58% ये रहने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो रिपोर्टेड EBITDA पर केस है दैट शुड कम बैक टू नॉर्मल अराउंड 825 rupees। जो इनके आई थिंक वॉल्यूम सेल्स हैं दैट शुड नॉर्मलाइज बाय Q3 Q4। हालांकि प्राइस में दिख नहीं रहा है वीरू जी, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्लम ओवर। तो आई थिंक जो Q1 में जेस्टेशन हुआ था आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली देयर इन द प्राइस। नंबर्स पे कल बहुत निर्भर होगा इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री और मैनेजमेंट कैसे देखती है सारी चीजों को, बट आई थिंक वर्स्ट इज प्रॉब्ली ओवर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो सर्टिफिकेट मिल गया है, वर्स्ट इज प्रोबेबली ओवर। वीरू इतने भारी मन से कह रहे हैं, शेयर बड़ा गमगीन रहा है, चला नहीं है मुझे तो, लेकिन वो पिक्चर्स याद आती हैं जब बहुत दिनों के बाद दुकानें खुली थी, पटाखे बजा रहे थे लोग और हम लोग यही कह रहे थे ऐसा मत करिए ये वापस प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। लाइन लगी थी, लंबी लंबी कतारें लगी थी देखिए। और एक और डायलॉग मारा अभी अभी सुमित ने कि शेयर का भाव जो है ये क्या हो गया यहाँ से बाउंस बैक करने जैसा दम है या नहीं है ये बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या करेंगे नतीजों से पहले? देखिए हेमंत जी, स्टॉक अपने करेक्शन के महत्वपूर्ण लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से अभी वीरेन जी ने भी बताया कि स्टॉक अपने 2018-19-20 के बेस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर हम देखें तो बहुत सी बार स्टॉक 490 के आसपास से बाउंस दिया है स्टॉक ने, तो मुझे लगता है कि इस बार भी एक बार यहां से पुलबैक के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि स्टॉक ने अगर इसका सेटअप देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहां से अगर देखें तो पिछले 4-5 वीक से देखें तो स्टॉक वहां से एक बाइंग एक्शन लोअर साइड से दिखा रहा है। मुझे लगता है एक पुलबैक का ट्रेड बिल्कुल बन सकता है यहां से, और यहां से अगर पुलबैक आता है तो इसमें मैक्सिमम मुझे लगता है 540 तक की जगह है, वहां तक के लिए स्टॉक में एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बन सकता है। तो किसी को अगर ट्रेड करना है तो 530 का कॉल ऑप्शन लेके भी ट्रेड किया जा सकता है, 13 रुपए के आसपास अभी कोट कर रहा है तो वो भी लेके इसमें ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि पुलबैक प्ले करना है हमें तो 530 की तरफ ये बढ़ेगा, तो ये कॉल ऑप्शन में मुझे लगता है 22-25 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे लिमिटेड रिस्क के साथ इसमें ट्रेड कर ले, 8 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले और 25 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन के आते हुए दिखना चाहिए। ओके इस बीच जो हमने पहला ट्रेड लिया था 2 बजे आने के बाद वो था हीरो मोटर कॉर्प, और हीरो मोटर कॉर्प अगर आप देखिए वहां से अब स्विंग देखिए अब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आ गया है 2941। उस वक्त मैंने प्रश्न पूछा था सर प्रकाश सर से ये। मीनवाइल दो स्टॉक्स देखिए जो कि सुबह आज हमने मुनाफे की तैयारी में पहला सौदा में बात की थी, एक था HDFC आई मीन कल के क्वार्टरली नंबर्स के बाद क्या शानदार परफॉर्मेंस डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, यस इट्स एन आई मीन मार्च के बाद का अब तक का ये सबसे सर्वोच्च है, और दूसरा है रामको सीमेंट्स 834। ऑल्दो अगर आप देखें हाउस व्यूज में बहुत सब्सटेंशियल टारगेट्स नहीं थे, लेकिन नंबर्स अगर आप देखें और साथ ही साथ सेक्टर में जो स्ट्रेंथ थी उसका वेटेज मिलता हुआ 830 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में स्टॉक आ चुका है। एक बार राहुल इन दोनों पे अपनी राय रखिएगा, क्या रामको अब 860-875 की ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है, और एक बार HDFC पे अपना टेक दीजिएगा। मेरे पास अगर फ्यूचर्स है या फिर ऑप्शंस है सुबह की वो कॉल भी दिखाइएगा, वो सुबह की कॉल 68 की अब 85 हो चुकी है, क्या कैरी करूं का इन दोनों स्टॉक्स को?
जी बिल्कुल, रामको में अगर टेक्निकल वीकली चार्ट्स की बात करें तो 880 तक की इसमें यहाँ पर हेडरूम दिख रहा है और जो करंट मोमेंटम है स्टॉक का काफी बढ़िया है। इनफैक्ट हर एक डिप स्टॉक के अंदर बाय किया जा रहा है और आज के सेशन में खास करके बहुत अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिखने मिली है। ओपन इंटरेस्ट इसमें बना हुआ, आई थिंक इसमें आप 810 के स्टॉप लॉस से बने रही है, ऊपर में 850 और 880 के दो लेवल आ रहे हैं जो ये अचीव कर सकता है। बात करें अगर हैवी वेट की HDFC लिमिटेड, तो देखिये ये स्टॉक काफी एग्रेसिव मूव दिखाया है इसके जो इसकी जो नेचर है उसके विपरीत, तो मुझे लगता है कि इसमें जो मोमेंटम है उसे राइड करना चाहिए। ऊपर में डेरिवेटिव डेटा की अगर बात करो तो 2200 तक की जगह दिख रही है, तो इसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के 2100 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे और राइड कीजिए पोजीशन को, ऊपर में 2200 तक ले जा सकता है। और ओवरऑल बैंक निफ्टी को अगर 26000 का आंकड़ा क्रॉस कराना तो HDFC लिमिटेड और SBI दोनों के इसमें अहम रोल रहेंगे बैंक निफ्टी को ऊपर चलाने में। तो देखिए रामको सीमेंट भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, सुबह भी कह रहे थे नंबर पे कोई दिक्कत की बात देखिए नजर नहीं आ रही है। एनालिस्ट जरूर कह रहे थे थोड़े मिक्स नंबर्स हैं, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी ढीली रही है, तो देखिए आज बेचने वाला दिन नहीं है, आज खरीदने वाला ही दिन था। और देखिए अगर किसी ने बेचा सुबह सुबह तो देखिए अब ये शेयर आपको क्या करके दे रहा है, दिन के हाइस पर जाने की कोशिश वापस से कर रहा है। सुबह सुबह जेके सीमेंट की भी बात हुई थी स्टॉक 2020 में, अब देखिए इनके नतीजे आने वाले हैं, जेके लक्ष्मी सीमेंट इनके नंबर से पहले, फिर ये स्टॉक भी देखिए मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। ये सीमेंट स्पेस के शेयरों पर नजर रखिएगा आप, और मिड कैप्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लार्ज कैप्स ने भी शानदार रैली दिखाई है, तो ये पूरा स्पेस जो है डॉक्टर साहब दिखा दीजिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट उसकी बात हो रही है, अब रैमको के आगे की बढ़ चुके हैं हम एक बार। डॉक्टर साहब लग रहा है आज कहीं व्यस्त हैं, जेके सीमेंट टीम दिखा रहे हैं, अच्छा तो टीम में भी था देखिए स्टॉक 2020 की टीम में 2% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये स्टॉक 2020 के दूसरे प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो जेके सीमेंट भी भाग रहा है और जेके लक्ष्मी सीमेंट पे भी फिर नजर होगी क्योंकि इसके नतीजे अब दरअसल आएंगे, तो कल सुबह सुबह इसके ऊपर हम रिएक्शन दे रहे होंगे। रैमको के बाद ये वो स्टॉक है जिसके नंबर्स मिड कैप में आज आने वाले हैं, तो इसके ऊपर फोकस रखेंगे कल के दिन सुबह सुबह। लेकिन देखिए अर्निंग सीजन चल रहा है और अर्निंग सीजन बहुत ही शानदार निकल कर आया है, जो कमेंट्री आ रही है कंपनियों की वो भी बहुत बढ़िया आ रही है, और अर्निंग सीजन के साथ साथ इस समय फेस्टिवल सीजन भी देखिए शुरू हो चुका है। कुछ मैनेजमेंट से हम CNBC आवाज पर बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डिमांड किस तरह से देखने को मिल रही है, खासतौर पर होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनियों से हमने देखिए बात करी आज, और वो ये बता रही हैं कि ग्रोथ बहुत बढ़िया नजर आ रही है। इंडिगो से हमने बात करी और इंडिगो तो ये भी कह रहा है कि वो अब इतनी शानदार डिमांड देखने को मिल रही है कि कुछ नई भर्तियां करने जा रहा है। आइए सुनिए। We went into a lockdown. Our cash burn was 40 crores a day. Then last quarter, I think we reported 35 crores a day. And right now, we're at about 25 crores a day. So it's steadily being reduced. We'd like to reduce it faster. And it really all depends on how quickly we can throw more capacity in the air. So I'm hopeful that the government will take us to 80% capacity. But to get to a zero cash burn, I don't think that will happen till early next year. अब इंटरग्लोब के मैनेजमेंट को और एक और आपको बढ़िया बयान सुनवाता हूं, और वो है दरअसल इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट का बयान। तो देखिए एयरलाइंस कह रही हैं कि वो भर्तियां करने जा रही हैं और अच्छी डिमांड होटल्स को भी देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करेंगे स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के CMD अंजन चटर्जी साहब से। I do expect going forward, as of November, we should be cash positive. I think this year, November to March, is a very high period. So the likelihood of cash burning in these months is very low. ऑलराइट, तो आपने सुना इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट को, आपने सुना अभी अभी इंटरग्लोब के मैनेजमेंट को, और अब बात करते हैं अंजन चटर्जी साहब से, जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के CMD हैं। चटर्जी साहब स्वागत है CNBC आवाज पर आपका। सबसे पहले आपको एडवांस में दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं सारी कंपनियों के मैनेजमेंट आके कह रहे हैं कि ग्रोथ वापस से पटरी पर आ रही है, GST के आंकड़े भी देखिए इस तरह के नजर आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन की बात हो और स्वीट बंगाल का नाम ना ऐसा तो हो नहीं सकता, बताइए वहां पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। देखिए हमारे सारे रेस्टोरेंट जो मेनलैंड चाइना हो, कलकत्ता, सिकरी जैसे स्वीट बंगाल जितने भी हैं, वहां पे हमको ट्रेंड्स अच्छे दिख रहे हैं। आप दूसरी इंडस्ट्रीज और हमारे में थोड़ा सा फर्क है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में
लोगों को एक जगह आके बैठना पड़ रहा है, हम डाइनिंग रेस्टोरेंट से, और वहां पर जब लोग आते हैं तो उनको एक डर का माहौल अभी भी पूरा गया नहीं है। जैसे कि बंबई थोड़ा सेटल कर रहा है, कलकत्ता थोड़ा ऊपर सेटल करने के बाद जा रहा है, तो और दिल्ली अगेन इज अ कंसर्न। सो इस तरह से थोड़ा सा डर का माहौल है, लेकिन फेस्टिव सीजन में हमने कलकत्ता में देखा है कि लोग आए हैं और लोगों ने कतार लगाई है खाना खाने के लिए, एंड हमारे रिस्पेक्टेबल ब्रांड्स से 26 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा सेफ्टी और हाइजीन का स्टैंडर्ड काफी बड़ा है। तो इन ब्रांड्स को जो भी फेथ वाले ब्रांड्स है, जैसे अभी इंडिगो ने कहा, जिसमें जिस ब्रांड में फेथ है वहां पर ज्यादा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन में एक तो हमने पहले ही अपना कैश बर्न बंद कर दिया, अब जीरो लेवल पे चले आए हम लोग, और ये दिस पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर हैज बीन वेरी गुड, एंड नवंबर दिसंबर में भी हम कह रहे हैं। और एक और बात, जैसे रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज ईटिंग एंड रिवेंज वेकेशनिंग, All these things will be shown in this quarter because लोग बंधे हुए थे घर पे, delivery मंगवा रहे थे खाने में, लेकिन जब एक बार उनको confidence आता है, लोग बाहर जा रहे हैं। चैटर्जी साहब, लेकिन एक और चीज अगर आप देखें, जैसे कि आपने कहा कि एक बार फिर से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और ब्रांड्स पे वाकई लोगों का विश्वास होता है, क्योंकि हाइजीन फैक्टर पर आप देखें हम काफी फोकस करते हैं, लेकिन कोई भी इंसिडेंट होता है ना सर, तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को कुछ हद तक बदल के रखता है। मैं जानना चाहूंगा आपसे एक चीज कि प्री कोविड जो डाइन इन और डिलीवरी का जो रेवेन्यू मिक्स था, उसमें क्या कोई बड़ी तब्दीली आई है, और क्या ये आगे जाके ट्रेंड थोड़ा सा बदलेगा, लोग टेक अवेज और ज्यादा फोकस करेंगे, क्या ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है क्या, या फिर बदलेगा और यहां से आगे चल के? काफी बदला है। हम 90% डाइनिंग करते थे, ऑलमोस्ट 12% 10-12% डिलीवरी करते थे, वो चेंज होकर अभी 60% डिलीवरी हो गया, 40% डाइनिंग हुआ है, तो ये रेशियो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। ये रेशियो डिलीवरी का स्टेडी रहेगा, और आने वाले वक्त पे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा डाइनिंग पे, डिलीवरी कम होगी, क्योंकि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खाना तो जाना है, या तो आप घर बैठ के खाएं या फिर कहीं जाके खाएं, तो ये बैलेंस होता रहेगा। लेकिन डिलीवरी इज हियर टू स्टे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स बीन सीन दैट डिलीवरी ने बहुत ही स्पाइक किया है, और लोगों का कॉन्फिडेंस भी डिलीवरी में बढ़ा है। जैसे मैं दोबारा कहूंगा, जिन ब्रांड्स पे उनको फेथ है, क्योंकि घर पे भी खाना मंगाना आज की डेट में इट इज नॉट सो सेफ, पीपल से अनलेस अदरवाइज दे हैव अ ब्रांडेड समय निकालने के लिए फेस्टिवल सीजन में सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए, अपने आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए, थैंक्स अ लॉट अगेन। चलिए एक बार वापस मार्केट पर आते हैं, यहाँ पर तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक शेयर है देखिए जो भागता ही चला जा रहा है, वो है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, 10% ऊपर जैसे ही नंबर्स आए देखिए इसमें तेजी देखने को मिली, और सुबह भी हम यही कह रहे थे आज फर्टिलाइजर सेक्टर का ही दिन है, ये शेयर पैसा बनाकर देगा। 9:30 बजे के आसपास यहां पर भी देखिए एक तेजी का कॉल लिया था, और अब है 11% ऊपर। ये देखिए ये फर्टिलाइजर सेक्टर का जलवा आज, 7% ऊपर एनएफएल कारोबार कर रहा है, फैक्ट 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, ये पूरा का पूरा स्पेस आज बजिंग है, भाग रहा है। जीएसएफसी पर भी रखिएगा नजर, ये सब स्टॉक 2020 में देखिए आज सुबह यही थीम बताई गई थी, और अब मैंगलोर केमिकल 10.5% की रैली दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिन्होंने तेजी करी है। स्टॉप लॉस कहां रखा जाए और टारगेट क्या होगा, पालवे साहब बताइए। तो हेमंत जी, जो स्पाइक आया है उसके बाद मुझे लगता है जिन्होंने भी पोजीशन ली है उन्हें स्टॉप लॉस अब यहां से ट्रेल कर लेना चाहिए, ऊपर में 93 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए, और मुझे लगता है कि अगर ये यहां से मोमेंटम और पिकअप होगा तो स्टॉक में जो ऊपर के टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए वो 207 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, तो 194 पे स्टॉप लॉस कर ले और टारगेट लगा ले 207 के आसपास। केमिकल एंड फर्टिलाइजर वीरू, आज 9:30 के आसपास हम लोगों ने देखे चर्चा की थी, और 2020 में ये बताया था कि ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, बिल्कुल वीरू ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है देखिए। जी हाँ, और देखिए इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप देखिए टेक्निकल आधार है, नहीं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच ये थी कि नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सुबह से जितने भी नंबर आप देखिए सारे के सारे काफी स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए मैंगलोर केमिकल इंफर्टाइज के नंबर्स, मुनाफा 23 करोड़ से बढ़कर लगभग
41 करोड़ रुपए रहा है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स और स्वीट सलामी देता हुआ मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 32.5 पे ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स को देखिए, देखिए अभी बसिन जी की जब तस्वीर स्क्रीन पे आई है ना, तो मेरे को एक स्टॉक याद आ गया और वो था फेडरल बैंक। फेडरल बैंक लास्ट टू लास्ट वीक हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी भी थी और बात भी कर रही थी, एंड स्पेशली अगर आप देखें वो गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में जो थे वो काफी कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कही भी थी। 5350 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में और ये स्टॉक अब 100 डेमा को अप्रोच कर रहा है। एक बार राहुल अपनी टिप्पणी दीजिएगा फेडरल बैंक पे, क्योंकि अब इसमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है, वो शॉर्ट्स जो कि डेवलप हुए थे, वो शॉर्ट्स जो कि रोल हुए थे 22 अक्टूबर से लेकर लगभग 30 अक्टूबर तक, 8 दिन लगातार अगर आप देखिए शॉर्टिंग हुई थी इस स्टॉक में, वो कवर हो रही है, इस पर एक राय रखिएगा प्लीज। जी इनफैक्ट यही मेरा आज का टॉपिक है, फेडरल बैंक में 58 तक की जगह टेक्निकली दिख रही है आज के सेशन में, शॉर्ट कवरिंग है। और साथ ही में अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो यहाँ पर आप बाय करके चले 51 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 58 का पहला टारगेट रहेगा, और 58 निकलता तो 60 का लेवल भी हमें देखने मिल सकता है नवंबर सीरीज में। तो बैंक्स में अभी मोमेंटम जारी है, आई थिंक हमें पिक एंड चूज करके बैंक्स को बाय करना है। फेडरल बैंक उसका जो सेटअप है यहाँ पर रिस्टोर्ड काफी फेवरेबल है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। फेडरल बैंक का आपका टॉप पिक है। और एक और नंबर देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, हमारी टिकट टीम आपको दिखाएगी, GNFC माफ कीजिएगा आप, यहां पर भी देखिए परिणाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ये भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो सारे स्टॉक्स में अच्छी तेजी। अच्छा एक और नंबर आ गया, अर्निंग सीजन देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है, 1813 करोड़ रुपए सन फार्मा का नंबर आ गया है प्रॉफिट का, और ये भी अनुमान से बेटर नजर आ रहा है, 1134 करोड़ रुपए का अनुमान था, तो अनुमान से बहुत ही बढ़िया नतीजे सन फार्मा ने पेश किए हैं। और सुबह आपने देखा था किस तरह से कैडिला में देखिए एक रैली देखने को मिली थी, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ल्यूपिन के नतीजे कल आने वाले, लेकिन सन फार्मा भागता हुआ प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से काफी बेहतर, 700 करोड़ रुपए बेहतर अनुमान से ये नंबर निकल कर आया है। तो अभी बाकी के आंकड़े भी आपके सामने आएंगे, लेकिन जो पहला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है ये तो बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। रेवेन्यू का फिगर भी है मेरे सामने, 8553 करोड़, ये भी अनुमान से बेहतर, 8190 करोड़ रुपए का अनुमान था, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही नंबर्स उम्मीद से बेटर नजर आ रहे हैं। मार्जिन का आंकड़ा भी देखेंगे, और मैं तो डाउ फ्यूचर्स से नजरें नहीं हट रही, 360 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, और देखिए ये सारे के सारे आंकड़े समय अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। एबिटा का आंकड़ा भी आ गया है, 2193 करोड़ रुपए आया है, और मार्जिन का आंकड़ा भी शानदार है, तो हर पैमाने पर बढ़िया नंबर, 22.3% का अनुमान था, 25.6% मार्जिन आए हैं, तो ये सन फार्मा भागेगा। एक बार देख लेते हैं, चार्ट चेकअप ले लेते हैं इसका, रचना जी नतीजे हर पैमाने पर बहुत ही बढ़िया नजर आए हैं, बताइए कितना चलेगा ये? उसका इवन चार्ट पे उसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे भी बड़े अच्छे सपोर्ट पे है ये, तो आप इसमें अगर एकदम से फास्ट चल रहा है लेकिन अगर 465 के आसपास अगर इसको स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं या तो माइनर टिप पे अगर मिल जाए तो एंट्री ले सकते हैं, तो इसमें आप आने वाले टाइम पे 500 और 503 तक के लेवल इमीडिएटली नियर टर्म में देख सकते हैं। शेयर बढ़ता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर आता हुआ, एक टिप्पणी ले लेते हैं मयूरेश जी की। मयूरेश जी बहुत ही बढ़िया नंबर्स कैडिला के बाद सन फार्मा ने पेश किए हैं। बिल्कुल एमन जी, और टॉप लाइन ग्रोथ बहुत बढ़िया है, मुनाफा का आंकड़ा एक बार देखना पड़ेगा, कोई वन ऑफ आइटम्स नहीं है क्योंकि बहुत सब्सटेंशियल बीट है बॉटम लाइन के ऊपर, बट टॉप लाइन और मार्जिन परफॉर्मेंस काफी अच्छे हैं। अभी मैनेजमेंट कमेंट्री के दो चीजों पे एमन जी, एक आई थिंक जो स्पेशलिटी पाइपलाइन है जो इन्होंने क्रिएट की है पिछले कई तिमाहियों में R&D का खर्चा बढ़ा के और एक अपना एक DMF पोर्टफोलियो बना के, उसका मोनेटाइजेशन कैसे होता है, क्या लॉन्चेस करते हैं, और दूसरा आई थिंक इनके जो प्लांट्स का रेजोल्यूशन है वो आई थिंक वो बहुत लाजमी होगा स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए। SBI जैसे एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आई थिंक 510 के ऊपर निकलना चाहिए तो आई थिंक बहुत अच्छा मोमेंटम वापस स्टॉक में मिलेगा, और वो निर्भर होगा मैनेजमेंट कमेंट्री पे, बट प्राइम ऑफ इसी नंबर्स टॉप लाइन और एबिटा और बॉटम लाइन तीनों के बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। सर स्पार्क भी दिखाइए, सन फार्मा स्पार्क एक दूसरे की देखिए भाई भाई एक ही ग्रुप कंपनी, स्पार्क में भी एक स्पार्क आता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये सन फार्मा चलता है तो स्पार्क भी चलता है, वाइस वर्सा एक चलता है तो दूसरा चलता है, दोनों में एक अच्छा मूव इस समय देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया प्रदर्शन। देखिए अर्निंग सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ भसीन साहब और जुड़ चुके हैं जो हर रोज 3 बजे आपको 2 पॉजिटिव सरप्राइज या 3 पॉजिटिव सरप्राइज भी कभी कभी उनका मूड अच्छा होता है
होता है तो दे देते हैं। बसीन साहब स्वागत है आपका, बताइए मार्केट में तो जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है, शानदार रैली 26,000 के करीब आने की तैयारी हो रही है बैंक निफ्टी में, 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, अपने ट्रेड्स को एक बार प्लीज बताइए जो आपने कल बताए थे उसको रिव्यू करिए और मार्केट पर व्यू भी शेयर करिए। गुड आफ्टरनून हेमंत जी, तो जैसे आपको कहा था शुक्रवार को मौका था जब फियर था तो भाव आपके साथ था, आपको खड़े होकर कहा था कि 26,000 दिख जाएगा आपको बैंक निफ्टी में बहुत जल्दी, सही है 1700 पॉइंट की रैली आई है बैंक निफ्टी में खड़े आठ दो दिन में, और अभी तो शुरुआत है, देयर विल बी वॉलेटिलिटी ऑन द इलेक्शन, बट आपको अंडरटोन दिख रही है कि डिस्पाइट रिलायंस बीइंग फ्लैट बैंक्स ने कितनी जोर से आपको तेजी की है। मैं यहाँ टिप्पणी करना चाहता हूँ, मुझे सन फार्मा मैंने कई बार आपके यहाँ कहा इट हैज बीन अंडर परफॉर्मर, 650 का भाव दिखता है सर मुझे, जिस तरह से नंबर आए हैं आई थिंक सन वॉज अ बिग अंडर परफॉर्मर, एंड आई थिंक सन का जो मार्जिन और जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है इसमें री रेटिंग इमिनेंट है, तो इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर दिस इज द टाइम टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, सन फार्मा कैन इजली स्केल 650 इन द नेक्स्ट 6 मंथ, तो दैट वुड बी अ पिक। आपको मैंने फेडरल बैंक बड़ी जोर से कहा था उसके नंबर बहुत बढ़िया थे लेकिन स्टॉक ने एक्सपायरी पे अंडर परफॉर्म किया है, आई रिएट्रेट भाव ऑफ 75 बाई नेक्स्ट दिवाली ऑन फेडरल बैंक, दैट विल बी माई टॉप पिक। आपको कल मैंने दिया था, कल मैंने आपको टाटा मोटर 32 पे दिलाई थी 138 हो गई और 84 वाला गेल 85, 75, 86 हो गया, वहां बुक कर सकते हैं। अब आप कहें तो दो पिक्स हैं, दोनों बैंक्स में नहीं है क्योंकि बैंक्स आर आउट परफॉर्मिंग और इस भाव पे, बट दे आर बोथ रिलेटेड टू फाइनेंशियल, इफ यू वॉन्ट आई कैन शो, एक ऑटो है और एक मीडिया स्टॉक है, आप कहें तो मैं शुरू करूँ सर। इंतजार हो रहा है सर बताइए। तो पहला भाई होएगा सर मदरसन सुमी, आई थिंक जिस तरह से ऑटो नंबर्स हैं मदरसन के नंबर्स ऑन द ओईएम विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, 108.8 का भाव है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 117 से 119 का टारगेट। दूसरा होएगा अगेन सन टीवी, जो मुझे बहुत बुलिश हूं बिकॉज आज जी के नंबर्स बहुत अच्छे थे, उनकी एड रेवेन्यूज वो कह रहे हैं बहुत ब्राइट है, 416 रुपए का भाव है, 409 का स्टॉप लॉस रखिए, 440 से 442 का भाव दिखता मुझे सन टीवी बाय द रिजल्ट्स, देयर कैन आल्सो बी अ बायबैक और अ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट ऑन दैट। तो दोनों स्टॉक्स आपको बढ़िया लग रहे हैं, मदरसन सुमी सन टीवी दोनों पर नजर रखिए, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं दोनों ही शेयर्स, और मीडिया स्टॉक्स में अच्छे नतीजे देखिए मीडिया कंपनियों ने अभी तक पेश किए हैं, टीवी 18 नेटवर्क 18 ने शुरुआत करी, देखिए अच्छे नतीजे आने की, उसके बाद वी के नंबर अच्छे आए और अब सन टीवी से उम्मीदें और बढ़ती हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भसीन साहब, दिवाली पर कोई लेवल जिसके ऊपर नजर रखी जाए? अरे सर 12,000 आ गया और 12,000 छोड़िए, रिलायंस के बिना 12,000 आएगा और बैंक निफ्टी अब 27,000 के पास जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड के बैंक आर गोइंग टू बी लीडिंग, और उसमें आपको दो दिन में 1700 करा दिया दिवाली पे, मेरे हिसाब से 26,500 और 27,000 के बीच में, 26,500 से 27,000 दिवाली पे बैंक निफ्टी बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, शुक्रिया भसीन साहब। और ये बुल्स का देखिए टेम्पो विरूप हाई है और बुल्स आज क्या गजब का प्रदर्शन दिखा रहे, 900 पॉइंट ऊपर चढ़ने के बाद बैंक निफ्टी 750 पॉइंट ऊपर और डाउ फ्यूचर्स ऐसा लग रहा है कि आज अमरीका में भी पार्टी होगी, 350 पॉइंट का उछाल डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 350 पॉइंट का उछाल डाउ फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी, और अब थोड़ा सा कल के इवेंट के मद्देनजर एक और बात करते हैं हिम्मत, ये कहते हैं दो तीन स्टॉक्स हैं जो कि कल से बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रखते हैं, पहले मैं आपके पास आऊंगा राजेश पालवे जी, जरा एक बार टाइटन देखिए, टाइटन पे भूल के भी सेल मत बोलिएगा वरना स्वैग से स्वागत होगा आपके कल घर में, टाइटन पर आपकी अप्रोच क्या है, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है इस वक्त? जी बिल्कुल वीरेन जी, टाइटन का सेटअप जिस तरीके से लग रहा है ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, पिछले दिनों में देखे तो थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर था स्टॉक, लोअर साइड पे एक बेस बनाया स्टॉक ने करीब 1150 के आसपास, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का इसका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म सेटअप है ये स्टॉक में जैसे ही 1220 का लेवल क्रॉस होगा तो एक अच्छा बड़ा अपमूव यहाँ से इसमें आते हुए दिखना चाहिए, पर अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बिल्कुल 1180 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 1220 का पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग का, बट अगर इसको पोजिशनली कोई प्ले करना चाहे तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखे 1160 के स्टॉप लॉस से, और मुझे लगता है जैसे ही 1220 के इसमें एक ब्रेकआउट होगा तो ये स्टॉक में 1260-1280 तक के भी अपसाइड आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो सेटअप है वो ये दर्शा रहा है बिल्कुल ये स्टॉक वेट कर रहा है और जैसे ही 1220 का ब्रेकआउट होगा एक अच्छी अपमूव यहां से बनते हुए दिखेगी।
ओके, तो टाइटन के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। चलिए दो और नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन जी, श्रीकांत जी, आप दोनों का स्वागत है। बीटीएसटी का कार्यक्रम की आगाज करते हैं। चंदन जी, आपके साथ बताइए कोई बढ़िया बीटीएसटी आइडिया और आज के मार्केट पर भी टिप्पणी करिए प्लीज। देखिए, बाजार ने काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ के रखा है और बैंक निफ्टी यहाँ पे काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 25,200 के ऊपर, और जब तक उन लेवल के ऊपर है 26,000 तक के लेवल रहेंगे। और निफ्टी भी देखें 11,550 का 50 डे में है, वो मेजर सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी फिर भी रेंज में आउट है, बट बैंक निफ्टी का मोमेंटम और टेम्पो कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक वाइज यदि आप बीटीएसटी टाइप ढूंढे तो मेरा यहाँ पे फोकस पावर कंपनीज पे रहेगा। आप पावर ग्रिड देखिए, टोरेंट पावर देखें, दूसरे पावर कंपनी पीएफसी, आरएफसी, आरईसी, सब में बाइंग इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे पावर ग्रिड पे फोकस करना चाहूंगा। और दूसरा इवेंट है तो ये काउंटर कंपैरेटिव लो बिट है और ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं रहेगा, काफी अच्छा प्राइस सेटअप है इस काउंटर में, रिवर्स हर्डल इस काउंटर ने निकाल चुका है 175 का, तो खरीदारी की सलाह रहेगी 173 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 185-188 तक के पावर ग्रिड में टारगेट रहेंगे। ओके, तो पावर ग्रिड अगर आप देखें तो यहाँ पे पहली कॉल है जो कि यहाँ पे चंदन रिकमेंड कर रहे हैं, श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ है। मीनवाइल अगर आप देखें मदरसन सुमी जो अभी कुछ देर पहले भसीन साहब ने दिया, वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 109.20, क्या गजब का मूव आया इस स्टॉक में। श्रीकांत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, एक ऐसा ट्रेड जहां पे आपका अगर आप देखें कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग हो जो कि आप कल के लिए भी कैरी करना चाहते हैं, बताइए क्या होगा वो? देखिए, वैसे आज मॉर्निंग में हमने आईसीआईसीआई बैंक को कवर किया था और हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी बढ़ेगा क्योंकि ओवरऑल बैंक निफ्टी की जो तेजी बनी है वो काफी स्ट्रांग है, इनफैक्ट सभी वही बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट बैंक एक ऐसा स्टॉक है कि जो अभी तक काफी डिप्रेस है, लेकिन आज के जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, गैप से खुला है और काफी सोच समझ के साथ वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहा है। अगर आप ओवरऑल बैंक के बाकी स्टॉक्स देखो तो 31 अगस्त के जो हाईस थे वो बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिए, एचडीएफसी बैंक ने क्रॉस कर लिए हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने क्रॉस कर लिए हैं, एक्सिस ने कर लिया, अब मुझे लगता है कि स्टेट बैंक की बारी है और अगर वो स्टेट बैंक अगर उसे क्रॉस करने जाता है तो 230 के लेवल्स वो आते हैं, तो वीरेंद्र यहाँ पे काफी बड़ा गैप बनेगा, तो करंट लेवल से स्टेट बैंक को बाय किया जा सकता है और यहाँ पे जो आज के लोज है 197 हम उसे स्टॉप लॉस के बेसिस पे मान के लॉन्ग कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 205 के जो कॉल्स है 10 या 11 रुपए में मिल रहे हम उसे भी बाय करके चल सकते हैं क्योंकि उसका रिजल्ट है, तो 205 के कॉल्स बाय करें और 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स 25-30 रुपए के रखें, या तो आप फ्यूचर्स बाय करें जो 204 के करीब ट्रेड कर रहा है। आपने SBI, आपसे आने से पहले भी देखिए थोड़ी देर पहले बात इसी पे हो रही थी, कल से इनफैक्ट हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नतीजों से पहले SBI में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है, कल सेकंड हाफ में नंबर्स आएंगे, नंबर से पहले BTST करिए, सबसे सेफ स्ट्रेटजी है, नंबर्स तो दोपहर में आएंगे, सुबह सुबह तो आपको अगर आप खाली BTST ट्रेड भी लेना चाहते हैं तो आपको पैसा बन जाएगा। पालविया साहब बताइए आपका BTST ट्रेड। देखिये, मेरी भी चॉइस SBI थी लेकिन श्रीकांत जी ने ऑलरेडी उसको रिकमेंड किया है तो मैं यहाँ पे हीरो मोटर के साथ जाऊंगा। हीरो मोटर में देखे तो एक करेक्टिव मूव के बाद आज जो रिवर्सल लोअर साइड से देखने को मिला है, मुझे लगता है कि हीरो मोटर को यहाँ से BTST करके जाना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास से बाउंस दे रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में यहाँ से 3050 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए और ये स्टॉक को यहाँ से करंट लेवल से बाय करें, 2900 के स्टॉप लॉस से बाय करें और पहला जो टारगेट होगा वो 980, दूसरा टारगेट होगा 3000 के आसपास। ओके, दूसरा टारगेट अगर आप देखें, यही इस कार्यक्रम का अगर आप देखें पहला ट्रेड भी था और ये भी BTST और के तौर पे कह रहे हैं कि कैरी कर लीजिए और अच्छा टारगेट यहाँ पे ऊपर की तरफ मिलेगा। पालवी जी की कॉल है हीरो मोटर को, आप उसके बाद चलते हैं राहुल जी के पास। राहुल जी, वो ट्रेड जो कि आप कैरी करना चाहेंगे कल के लिए और जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है? जी बिल्कुल, मैं BTST के लिए भी फेडरल बैंक को ही पसंद करूंगा, यहाँ पर 55 तक की जगह BTST में क्लियर दिख रही है तो इसे बाय करके चले 50-80 के स्टॉप लॉस से, और बैंक्स में मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहना चाहिए दीजिए और फेडरल बैंक में मेरे हिसाब से यहाँ पर रिवॉर्ड काफी बढ़िया है BTST करने के लिए भी पोजिशनल के साथ। बैंक निफ्टी पर पोजिशनल टारगेट क्या है राहुल जी? देखिए, बैंक निफ्टी में एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी आ गई है और जैसे मैं बता रहा था वो बुलेट ट्रेन शायद अभी हवाई जहाज से बदली करनी पड़ेगी, तो 26,000 का लेवल चार्ट्स पे इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है, आई थिंक वो लेवल आना चाहिए, पॉसिबिलिटी है ये हफ्ते में ही देखने मिल जाए हमें, तो बैंक निफ्टी में बने रहिए जब तक आपके जो स्ट्रॉन्ग हैवी वेट्स है जैसे HDFC SBI जब तक ये तेजी में, आई डोंट थिंक सो बैंक निफ्टी यहाँ पर यूटर्न लेगा। कराएं सर, आपको रफाल पसंद है राहुल जी? बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल बिल्कुल पसंद है रफाल। चलिए तो रफाल से कराएंगे, रफाल की स्पीड से देखिए अब बैंक निफ्टी को चेंज किया जाएगा। मयूरेश जी आपको भी रफाल पसंद है ना, मतलब पहले मैं सर्वसहमति ले लूं कि ऐसा ना हो बाद में काफी अच्छा नहीं है। यस सर 100%। चलिए तो मयूरेश जी की भी हाँ आ गई, तो ठीक है सर फिर तो अब रफाल से कराया जाए। रचना जी आप बताइए आपका बीटीएसटी ट्रेड कल के लिए। जी आपको याद होगा शायद हमने कल बात किया था कि LIC हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, वो जब 300 को क्रॉस करेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आज वो बहुत टाइम से 300 के ऊपर ही रह रहे हैं और फिलहाल नवंबर फ्यूचर्स 304.4 पे है। तो इसमें BTST के हिसाब से देखें तो इमीडिएट टारगेट्स आप लगा सकते हैं 308, 312 and 316, तो और 298-97 के बीच में आप इसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि अचीव करेंगे। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी रैली देखने को मिल भी रही है। HDFC लिमिटेड ने देखिए जिस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, LIC हाउसिंग फाइनेंस बिल्कुल याद है मैम कल इन सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के ऊपर बात हुई थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने देखिए धीरे धीरे करके दिन के हाइस पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो है वो बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर दाव लगा रहे हैं। गाबा साहब ये बताइए पहला सवाल, क्योंकि आप तो विमान उड़ाना जानते भी है, राहुल जी ने मांग करी है अब बुलेट ट्रेन के बदले रफाल आए, आप तो चलाते हैं खुद पायलट का लाइसेंस है आपके पास, रफाल ठीक रहेगा ना सर? बैंक निफ्टी को रिप्रेजेंट रफाल कर रहा है ना आजकल, बहुत बढ़िया रहेगा। आपका BTST ट्रेड भी दीजिए सर। बैंक से जाऊंगा, मेरे दो पेपर तो लीक हो चुके, एक तीसरा है बैंक किसी ने छूटी है HDFC बैंक। मुझे लगता है कि आपको मिलना चाहिए यहाँ पर, और इसकी जो तेजी है 1270-1200 के हायर लेवल दिख ले जाएगी, स्टॉक होगा करीब 1230 का, बट आई थिंक HDFC बैंक में अच्छी तेजी दिखेगी। पेपर पालिया जी ने लीक किए, रचना जी ने, चंदन जी ने, श्रीकांत जी ने राहुल जी ने और पालविया जी ने आपका SBI लीक किया है, तो आप इन दोनों से पार्टी ले सकते हैं सर बाद में, दोनों आपके मित्र हैं, आप जब इन्हें अपने क्लब में बुलाएंगे तो ये जरूर आएंगे सर। तो ये वो स्टॉक्स हैं देखिए जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो आप देखिए वीरू सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में एक तेजी देखने को मिलेगी, फेडरल बैंक, SBI, HDFC बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। पावर ग्रिड चंदन जी ने दिया, मयूरेश जी आप भी ट्रेडर्स हैट पहनकर बताइए क्या पसंद है। अरे हेमंत जी बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस दोनों पसंद आ रहे थे पर सारे पैनल ने ले लिया है, तो मुझे तो टीम के जिन्होंने रिलैक्सो का कॉल दिया सुबह एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, तो रिलैक्सो जो फुटवेयर इंडस्ट्री में है अच्छे नंबर्स आए थे, बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली हमारे स्विंग ट्रेडिंग टीम को काफी अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक रिलैक्सो में चूज करना है। रिलैक्सो के साथ मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ, ये आपने बहुत सही कहा है, रिलैक्सो की नतीजों के बाद जो कमेंट्री आई है वो बहुत ही गजब की आई है। आप देखिए मैं ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, अब वीरू आपने आज रिलैक्सो कहा है, मुझे लगता है कि ये स्पेस बहुत सही है, ये सारी की सारी स्पेस बहुत एक्टिव है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था रिलैक्सो के जो नतीजे हैं वो 22% तो एबिटा मार्जिन उन्होंने क्लॉक किया है, 75% मुनाफा देखिए, 75 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है और Q-on-Q अगर आप देखें तो अच्छा खासा इजाफा 7-7.5% के आसपास का इजाफा है, तो नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया है और ये फुटवेयर स्पेस अच्छा भी लग रहा है, तो बढ़िया है। तो रिलैक्सो कल के लिए आप ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल, और डेट बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट पे, बहुत कम डेट है मंजी, 0.05 टाइम्स है और टेक्निकली भी बहुत साउंडली प्लेस्ड है। बिल्कुल, अच्छा आपने रिलैक्सो की बात करी और नीरज भाई इधर हाथ खड़ा करने लगे, कल का खिलाड़ी आज नीरज बताना चाहते हैं, नीरज का कल का खिलाड़ी आज का एक बार स्टिंग चलाइए डॉक्टर साहब। मुझे लगता है मैं गेस कर रहा हूँ वीरू ये फुटवेयर सेक्टर से ही है, तभी नीरज ने मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं नाम आप ना ले लें, बताते बताते रिलैक्सो तक तो पहुंच ही गए थे इसलिए मैंने पहले ही रुकिए मुझे कुछ ऐड करना है इसी सेक्टर से है। अरे
दिया है? बिल्कुल इसी सेक्टर से, लिबर्टी शूज हमारा कल का खिलाड़ी है, क्योंकि ये रिलैक्सो के जो नंबर्स आए ना बहुत ही इनकरेजिंग है। मैं आपको बोलूंगा क्वार्टर क्वार्टर जो आप बता रहे वो दुगना हुआ है, 210% का प्रॉफिट बढ़ा इनका, 75 करोड़ जो आया है, और कुल आमदनी इनकी 56% बढ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 370 करोड़ पहुंच गई है। YOY में इनका प्रॉफिट हल्का सा टेपर्ड है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए मिल रही है क्योंकि Q1 बहुत बुरा गया था ना, सब बंद था, कुछ प्रॉफिट आया नहीं, दुकान बंद थी, स्कूल बंद थे, अब धीरे धीरे सब खुल रहे हैं, तो आए तो यही बिल्कुल स्थिति आप देखिएगा लिबर्टी शूज में बनती है। 50-51 करोड़ की सेल्स थी इनकी Q1 की और नुकसान किया था 11 करोड़ का। अब मुझे उम्मीद है कि जो 9 तारीख के उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं इसमें आप अब जो 11 करोड़ का लॉस दिख रहा है ये आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ देखेगा, कम से कम 2-3 गुना होगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस है। और जो सेल्स इनके इस क्वार्टर Q1 50 करोड़ दिखी थी कम से कम 1.5 करोड़ आएगी, 3 गुना बढ़ के आएगी, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है सजेस्ट कर रही है वो बहुत इनकरेजिंग है। और जिस समय जो फेस्टिवल पूरी सेल चल रही है, ऑनलाइन सेल्स है या आप दुकानों में जाके खरीद रहे हैं, उसका बड़ा ही फायदा इसमें देखने को मिल रहा है। एक और चीज इनके लिए आगे के क्वार्टर में बड़ा फायदा करने वाली है, सरकार ने अभी एक 28 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें स्पेसिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि जो भी शूज आप इंपोर्ट करते हैं उसमें BIS स्टैंडर्ड, बेसिकली ये बहुत बड़ी योजना, शूज नहीं आ सकते भारत में चीन से रोकने के लिए, तो चीन से किसी भी देश से आप डायरेक्टली एक साथ बहुत ज्यादा चीजों नहीं रोक सकते हैं, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप अपने रूल्स कड़े कर दीजिए कि इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो BIS के मानक बहुत कड़े कर दिए गए जो मेरे सामने खुला हुआ नोटिफिकेशन, तो उससे बहुत फायदा होगा। और 28 अक्टूबर से यह इंप्लीमेंट हो गया है, तो आने वाली तिमाहियों में आप देखेगा नॉट ओनली लिबर्टी, सबके लिए जितनी भारत में खादिम हो या बाटा हो या जो भी बना रहे हैं उनको बहुत फायदा है। तो इस बार पूरे क्वार्टर मेरा रुझान वही है कि जो Q1 में बुरे नतीजे जिन्होंने पेश किए थे उनको लेना चाहिए, उनके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। लिबर्टी जैसी कंपनीज जो जिनके ब्रांड बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मेक इन इंडिया का फायदा उठाया है, तो बुरे नतीजों के बाद अब एक शानदार नतीजे की तैयारी है। 9 तारीख को रिजल्ट है, उससे पहले एक तो, बहुत अच्छा मौका तो है, यही हो रहा है। देखिए एक कंपनी अच्छे नतीजे, कल हुआ क्या था, कोरोमंडल के अच्छे नंबर आए, आज सारे फर्टिलाइजर शेयरों में देखिए आग लगी हुई है। तो आप कह रहे हैं अच्छे नंबर क्योंकि रिलैक्सो के आए, तो अब देखिए लिबर्टी भागता हुआ नजर आएगा 8% ऊपर, लिबर्टी दिन के हाईएस्ट लेवल पर चंदन जी कारोबार कर रहा है, कितना दौड़ेगा ये, जिन्होंने अभी अभी नीरज भाई को सुनकर तेजी करी है, स्टॉप लॉस कहां रखें, टारगेट क्या होगा? जी अमन जी, देखिए इस बिजनेस को मैं काफी अच्छे से समझता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लिबर्टी शोरूम भी है और इसका 410 जो ब्रांड है वो काफी फेमस है, जिसको मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ, और अभी वापस सेल्स है वो यहाँ पे आ रही है और ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा सेल्स रहती है, तो काफी अच्छा वापस एक फंडामेंटली सेटअप इन्होंने नीरज जी दिया, उससे काफी मैं एग्री करता हूँ, और टेक्निकली भी काउंटर ने सपोर्ट ले लिया है। मेरा मानना है कि जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन के और काफी वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, 141 का सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं काउंटर 165-170 तक के लेवल को इमीडिएट में छूते हुए कामयाब नजर आएगा। स्टॉक और देखिए डॉक्टर साहब, कहते हैं खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खादिम ये भी भागेगा, ये देखिए इसने चलना शुरू कर दिया, 5.5 होता हुआ आपको नजर आ रहा है और 6 हो चुका है, तो खादिम में भी, अच्छा खादिम में देख रहा हूँ 10% का सर्किट फिल्टर वाला शेयर नजर आ रहा है ना, 10% है ना, वो कंपनियां है जिनके Q1 बहुत खराब थे और यहाँ से एक मिनट पहले लो बेस पे जंप होंगे, इससे पहले पालिए साहब खादिम 10% का सर्किट लगाएगा, लग रहा है आपको? हाँ लगा देगा बिल्कुल अहमद जी, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम आया है ये 10% का सर्किट लग जाएगा स्टॉक में, तो नीरज जी ने जो सेक्टर कवर किया और जो उसकी कमेंट्री दी है मुझे लगता है बिल्कुल ये स्टॉक भी अपर सर्किट की तरफ ही मूव हो रहा है, बिल्कुल तो लग ये चुका है, लग गया है बिल्कुल से लग रहा है बिल्कुल, देखिए अब 7.5% 9, 9.5, 10 लीजिए लग गया है, तो 10% सर्किट आपके एक लिबर्टी शूज ने, एक्चुअली ये श्रेय जाता है मयूरेश जी को, मयूरेश जी रिलैक्सो का नाम आप नहीं लेते तो देखिए ये कैसे होता, रिलैक्सो भागा पीछे पीछे लिबर्टी, उसके पीछे खादिम, खादिम लग चुका है 10% का अपर सर्किट पर। मैं देख रहा था रिलैक्सो के मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में भी ये बात कही है कि ग्रामीण इलाकों से खूब देखिए अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, चंदन जी भी देखिए यही बता रहे थे, ये बताइए खादिम पे और लिबर्टी पर आपका व्यू क्या है? बढ़िया लग रहा है ये पूरा सेक्टर हेमंत जी, आई थिंक, और तो मैं पॉइंट्स ऐड करता हूँ जो नीरज जी ने कहे थे, दो चीज आई थिंक जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बन के आएंगी वो बढ़िया आएंगी क्योंकि चाइना वन प्लस वन पॉलिसी जो है ठीक है, चाइना एक्सपोर्ट का शेयर
अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव. दूसरा आई थिंक जो प्राइस पॉइंट्स पे बेचे जा रहे हैं आज के तारीख में और जो 1000 रुपीज के नीचे 500 रुपीज के नीचे जीएसटी के दर कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बहुत बड़ा है. तो आई थिंक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो आई थिंक मार्केट शेयर गेन्स करेंगे सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स विद द डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉइंट्स रूरल एरिया के लिए, सेमी अर्बन एरियाज के लिए, ये भी इनको आई थिंक एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के तौर पर रहेंगे. तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एंड गेनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर, आई थिंक ये दोनों इनके लिए वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ और बैलेंस शीट के लिए बहुत बढ़िया है. तो देखिए भागते हुए ये सारे के सारे स्टॉक्स, लिबर्टी 7% ऊपर और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है इस समय, खादिम भी. हाँ एक बात, सरकारी बैंक के मैनेजमेंट हमेशा कहते हैं वर्स्ट इज बिहाइंड अस, एक्चुअल में वर्स्ट इनके पीछे जा रहा है. सारी कंपनी का आप क्यू1 रिजल्ट देखिए, शूज का लेके 60 करोड़ का खादिम ने जो है इसमें बनाया अपना रेवेन्यू और 28 करोड़ का नुकसान, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. तो वर्स्ट इज बिहाइंड देम बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने मिर्जा को क्यों छोड़ रखा है? मिर्जा और खादिम ये सब भी तो चलता है, एक साथ चलते हैं. ये देखिए सारे के सारे स्टॉक्स, और अब आप देखिए मिर्जा में भी एक मूव आना शुरू होगा. ये 3.5% ही ऊपर है इस समय और ये लिक्विड स्टॉक भी है. खादिम अगर 10% का सर्किट लगा चुका है तो फिर मिर्जा के लिए भी जगह बचती है. चंदन जी, मिर्जा ये रेड टेप नाम से अपने शूज को मार्केट करते हैं, इसका चार्ट देखकर बताइए क्या ये भी खरबूजा दूसरे खरबूजे को देखकर रंग बदलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा सेक्टर है, यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बन चुका है और काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद सारे काउंटर में इमीडिएट टेक्निकली मूविंग एवरेज से टर्न हो रहे हैं. तो मिर्जा की बात करें तो इस काउंटर में काफी अच्छा सेक्टर सेटअप बना हुआ है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, और यदि ओवरऑल प्राइस पैटर्न देखें तो 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड बेटर है. तो काउंटर में लगभग 47 रुपीज का सपोर्ट रहना चाहिए और ऊपर में कम से कम 57 से 58 रुपए जो मौजूदा लेवल से लगभग 12-15% तक की रैली है वो दिखा सकता है. तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ मिर्जा, और हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आजकल मिर्जापुरी चल रहा है. तो मिर्जापुरी यानी जो सीरीज, और देखिए क्या मजबूत रैली इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रही है. तो नीरज भाई के आते ही सारे फुटवेयर शेयर देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं. रिलैक्सो से शुरुआत करी मयूरेश जी ने, लिबर्टी की बात हुई और उसके बाद देखिए खादिम में सर्किट लगा, 10% की जगह थी. तो अब देखिए मिर्जा वो बची हुई कसर पूरी करता हुआ 5.5-6% की रैली यहां पर देखने को मिल रही है. अब आप दुख दिया करिए कल का खिलाड़ी, एक में तो इतना बड़ा पूरा सेक्टर दिया करेंगे. हाँ पूरा सेक्टर दिया करिए. तो देखिए सब चली जाते हैं तो फिर अलग अलग क्यों छोड़ा? सही बात है. तो ये पूरा का पूरा पॉकेट आउट परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आ रहा है. दिन के हाईएस्ट लेवल पर वीरू इस समय मिर्जा पहुंच चुका है, 5.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है. तो फुटवेयर शेयर्स बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इतना तो ये उस दिन भी नहीं भागे थे जिस दिन वाली न्यूज आई थी कि सस्ते बोलने का असर होता है. बात करने का असर कभी तो असर, ये आपने बहुत गहरी बात कह दी है. तो बात करने का असर होता है. अब देखिए कल का खिलाड़ी आज में आप देंगे तो फिर तो इस तरह की रैली होनी थी. और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि ये एक ऐसा सेक्टर है लेदर वाला खासतौर पर, जो अब इस्तेमाल हो रहे हैं लेदर, जो पहले आता था आर्टिफिशियल लेदर चाइना से, अब वो भारत में बन रहा है. तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, आप रिलैक्सो से ही ट्रिगर लीजिए तो उनके जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो तगड़े से कम हुई है, और यही इंपैक्ट सब में आएगा क्योंकि प्योर लेदर के शूज अब बहुत कम बनते हैं, आर्टिफिशियल लेदर के ज्यादा बनते हैं और उसका फायदा इन सबको मिल रहा है. तो जो आप देखेंगे मार्जिन इंप्रूव होते हुए आएगी और ये कंटिन्यूअसली बढ़ेगी आगे, क्योंकि अब यही घरेलू आप करने लगे हैं और सरकार का प्रोटेक्शन है. तो आने वाली 2 क्वार्टर्स के लिए आप और मैं, और सबसे जाड़े में जूते लोग ज्यादा पहनते हैं, नॉर्थ ठंड बहुत लगती है ना, तो शूज की डिमांड और बढ़ेगी. नीरज जी ने जो आखिरी में अगर आप देखें 4-5 लाइनें बोली हैं, तो इसको अगर मैं सिर्फ 2 लाइनों में समेट दूं ना तो ये कहेंगे कि इब्न मतूता चीन का जूता अब नहीं बोलेगा चुर. लिबर्टी शूज आप वीरू आगे लगा वीकेंड पिक्चर में बहुत मिर्जा इंटरनेशनल डे हाइपर और रिलैक्सो जो है हाँ ये तो है. लेकिन मीनवाइल आप बैंक निफ्टी को देखिए 25,706 820 पॉइंट ऊपर. लुक एट HDFC बैंक डे हाई पर और 1249 पे कुछ देर पहले हमने ट्रेड लिया था, डे हाई पर आ चुका है. ये राहुल जी HDFC की बैंक की कॉल कैरी करे और निफ्टी की बैंक की कोई कॉल कैरी कर करनी हो, हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव है, अब कौन सी करेंगे? इनफैक्ट आपकी राय राजेश पलवे जी.
एचडीएफसी बैंक में मुझे लगता है कि बिल्कुल जिस तरीके से ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट वापस अभी इसमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल कैरी करना चाहिए स्टॉक में, जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है उन्हें होल्ड करके लेके जाना चाहिए। और कॉल ऑप्शन की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में मुझे लग रहा है कि यहां से अगर हम 1280 की कॉल अगर ले लें तो वो ट्रेड यहां से काफी ठीक रहेगा। 29 के आसपास ट्रेड करी, इसमें स्टॉप लॉस रख लें 22 रुपए का, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक, जिस तरीके से बैंक निफ्टी को यहाँ से और एसबीआई, ये तीनों ड्राइवर है बैंक निफ्टी के, और ये तीनों ही जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक का ये जो कॉल ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे हैं 1280 का, इसमें टारगेट आना चाहिए 45 रुपीज तक के आसपास के। तो 22 के स्टॉप लॉस से 1280 की कॉल ऑप्शन बाय करें 28 रुपए के आसपास 45 के टारगेट के लिए। है तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर देखिए आपकी नजर होनी चाहिए, बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी हो चुका है 800 पॉइंट ऊपर, कल ही लगता है 26,000 का आंकड़ा देखिए पार हो जाएगा 900 पॉइंट की तेजी के बाद। दूसरे दिन लगातार देखिए 800 पॉइंट का शानदार उछाल यहां पर देखने को मिल रहा है। 11,800 के ऊपर निफ्टी भी समाप्ति देने की योजना बना रहा है। रचना जी, आज की क्लोजिंग को कैसे रैपअप करेंगी, आपका मार्केट का आज का टेक अवे बताइए प्लीज। जी, निफ्टी जो है 830 के आसपास का जो लेवल है उसका, 11830 के आसपास वो उसका जो एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस वहां पे था उसको क्रॉस करते हुए ही क्लोज होने जा रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन कि वो रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट पार कर ही रहा है एंड लास्ट डाइंग मोमेंट्स ऑफ द ट्रेड में। तो हो सकता है कल सुबह ही माइनर गैप के साथ ही अगर खुला है तो उसके पार ही निकल के चलेगा। तो अभी नेक्स्ट लेवल जो है 900 के आसपास हमें वॉच रखनी चाहिए। 900 के आसपास भी अगर कोई तकलीफ दिखेगी तो इमीडिएटली अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। और फिलहाल जिस लेवल पे है उस लेवल पे भी जिन्होंने पहले से इसमें पोजीशन बना के रखी है उन सबको 750 के आसपास इसका एसएल जो है वो ट्रेल करते हुए चलना चाहिए। पोजीशन अगर कैरी करते हैं तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलना चाहिए। जी हाँ, इस बार एक बात है हेमंत कि इस बार के इस मूव में पुल बैक में मंदड़ियों का भी बहुत तगड़ा देखिए कंट्रीब्यूशन है। शॉर्ट कवरिंग लुक एट सन फार्मा, इस पे मंदड़िये इतने अगर आप देखें इतने कैपिटलाइज हो रखे थे, इतनी शॉर्टिंग हुई थी, इतनी कॉल राइटिंग हुई थी, इतनी पुट बाइंग हुई थी कि पूछिए मत, लेकिन नंबर्स ने सरप्राइज किया और अब ये 490 पे, याद रखिएगा सन फार्मा आज 200 एमा को रीगेन करके चल गया जो कि इसने रोलओवर्स के वक्त जो कि इसने एक्सपायरी के बाद वॉलेट कर दिया था। बहुत संक्षेप में राजेश पालवे जी, इस पे ऊपर के टारगेट क्या बनते हैं अगर ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रही तो? वीरेन जी, क्विक टारगेट जो मुझे इमीडिएट लगता है वो 510 तक का लगता है। 510 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस शॉर्ट कवरिंग का। और जिन्होंने भी पोजीशन ली हुई है, जिन्होंने अभी रिजल्ट के बाद भी इसमें पोजीशन इनिशिएट की है, उन्हें अब स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर लेना चाहिए। 482 के आसपास टारगेट होंगे 510 तक के, क्योंकि जिस तरीके से कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही 500 की कॉल में भी देखें तो मुझे लगता है ये स्टॉक 510 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। ओके बाप, तो इसके ऊपर देखिए नजर रखिए सन फार्मा 3% 4% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ आप इस समय नजर आ रहा है। जबरदस्त रैली फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में क्या ट्रेड लेंगे आखिरी में जाते जाते पालिया साहब एक बार बताइए प्लीज। बिल्कुल, निफ्टी भी लॉन्ग करके जाएंगे और निफ्टी में मुझे लगता है कि यहाँ से अब हम 11,900 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके लेके जाएंगे कल के सेशन के लिए। हमें लग रहा है जिस तरीके का सेटअप है निफ्टी का 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है 11,900 का कॉल ऑप्शन, इसमें 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और कल के लिए हमारे टारगेट होंगे कि इसमें 130 रुपए तक के, तो 11,900 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। हमारे लिए अब निफ्टी का स्टॉप लॉस जो हो गया वो 11,750 के आसपास है, इसके ऊपर अब निफ्टी रहेगी तो 11,940 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बात है तो इसके ऊपर नजर रखिएगा, बढ़िया प्रदर्शन देखिए देखने को मिल रहा है। नीरज आपके पास कोई खबर है? नीरज आप कह रहे हैं कोई न्यूज आप ब्रेक करना चाहते हैं। खबर ये एक निकल के आ रही कि शायद मुंबई में 6 तारीख से पिक्चर हॉल को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। इसलिए आप वीरू से पूछ रहे थे कि आप मूवियां बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, मैं इसीलिए वीरू से पूछ भी रहा था 6 यानी इस हफ्ते की अंत में फ्राइडे को। हाँ, और ये खबर जो निकल के आ रही है इसमें जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनकी तरफ से आ रही बात कि बहुत जल्दी मतलब आज ही हमको लगता है देर शाम तक उनका अनुमान है कि ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मुंबई में फिल्म ऑपरेशन
शुक्रवार से शुरू हो जाएगा, मुंबई में शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। हाँ। ये सरकार की तरफ से ऐलान आएगा, ये सरकार की तरफ से ऐलान आ सकता है, क्योंकि फिल्म गाइड के लोग, फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग ऐसा बता रहे हैं। पीवीआर का एक बार चार्ट देख लेते हैं, करना चाहिए जाते जाते पीवीआर इस चार्ट का चेक करके बताइए चंदन जी, पिक्चर हॉल खुलेंगे तो पीवीआर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, अभी तो लाल निशान में है, फिर कल ये भागता हुआ नजर आएगा 1160 पर ये कारोबार कर रहा है, कैसा लगता है चार्ट पर? देखिए चार्ट में बॉटम बन चुका है और देखिए एक डाइवर्जेंस यहाँ पे बना है, तो मेरे हिसाब से यदि चलता है तो 10-12% की रैली यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, क्योंकि 22 सितंबर को ये लगभग 1050 का लो बनाया और अभी दो दिन पहले 1045 के आसपास लगाया, तो टेक्निकली यहाँ पे डबल बॉटम का सपोर्ट बन चुका है और मैकेनिकल इंडिकेटर में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है। ऐसा जब भी होता है काउंटर की शॉर्ट्स की बड़ी कवरिंग आती है, सरप्राइज करेगा 1070 के सपोर्ट से 1200 तक के अग्रेसिव टारगेट यहाँ पे बनेगा। ठीक बात है, चलिए तो इसके ऊपर रखिएगा नजर कल के लिहाज से। एक स्टॉक जो आपको इस समय नीरज बता रहे हैं तो पीवीआर पर फोकस होगा। अच्छा देखिए 11,800 के ऊपर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी है, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट का उछाल दिखाकर बंद हुआ है 900 पॉइंट की रैली के बाद, और पीएसयू बैंकों ने भी 1.5% की तेजी दिखाई है, कल एसबीआई के परिणाम आने वाले हैं, सेंसेक्स देखिए करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है जाकर, और अमेरिका के नतीजों के चुनाव के लिए देखिए आज अंतिम दिन है अमेरिका में, वहां पर वोटिंग होगी, उसके बाद फिर देखिए उसके अगले दिन नतीजे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन मिड कैप इंडेक्स भी देखिए भागता हुआ आपको दिखा, 0.5% की रैली के साथ इसने जाकर समाप्ति दी है, 100 पॉइंट ऊपर भागता हुआ। एक बार पूरा का पूरा ग्राफ दिखाइए डॉक्टर साहब, ये देखिए आईसीआईसीआई बैंक का ये है लीडर, नतीजों के बाद से भागता ही जा रहा है, 445 रुपए भाव हो चुका है अब इसका और 6.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है, इसने दरअसल आज बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी भरी है। इंडसइंड बैंक का कल की नतीजों के बाद मूव के बाद देखिए दूसरे दिन नंबर्स के बाद ये भी मूव कर रहा है, एसबीआई के नंबर से पहले आज ये बीटीएसटी आइडिया भी दिया गया है और कल भी देखिए दिया गया था, कल जिन्होंने इसको खरीदा आज पैसे बनाए, आज जो खरीद रहे हैं कल सुबह पैसे बनाएंगे क्योंकि दोपहर में इसके नतीजे आने वाले हैं, अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक दोनों ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, कल एचडीएफसी के अच्छे नतीजों के बाद आज ब्रोकरेज हाउसेस की अपग्रेड आया, कल ये बीटीएसटी आइडिया दिया गया था, आज आपने पैसा बनाया और आज भी यहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसको लेकर जाइए अच्छा पैसा बनेगा आपका। सन फार्मा अच्छे नंबर्स के बाद 4% ऊपर जाकर बंद हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प बजाज ऑटो इन सब में देखिए बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिली है, एचडीएफसी लाइफ ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है आज के सत्र में, टीसीएस में भी एक रैली देखने को मिली है और अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ आपको विप्रो भी नजर आया है, इवन सिप्ला ने देखिए अपने नतीजों से पहले एक अच्छा मूव दिया, 1% का उछाल यहां पर भी देखने को मिला। तो ठंडा कारोबार कौन कौन से स्टॉक्स कर रहे थे, एनटीपीसी जो देखिए कल चल गया था आज नहीं चल पाया, आज ये फिसल गया, कहते हैं बायोन र्यूमर सेल ऑन न्यूज, अब खबर आ गई थी तो देखिए यहां पर आज यहां पर जिन्होंने कल खरीदा था उन्होंने आज मुनाफा वसूली कर ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक करीब करीब 1.5% नीचे जाकर 1.25% नीचे जाकर बंद हुआ है। एचयूएल ये ढीला कारोबार कर रहा था आज के सत्र में, इवन नेस्ले ब्रिटानिया ये पूरा का पूरा जो पॉकेट है ये आज अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको आज के सत्र में नजर आया, इवन टेक महिंद्रा इंफोसिस ने भी देखिए अंडर परफॉर्म आज के सत्र में किया है। ये थे देखिए हीरोज आज के सेकंड हाफ के बाद, खादिम में 10% का सर्किट भी इंट्राडे में लगा, लिबर्टी शूज 6.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है, मिर्जा इंटरनेशनल में करीब करीब 2.5-3% की तेजी देखने को मिली, इंट्राडे में और जोर से भागे थे यहां पर, अच्छा नतीजा देखिए डीलिंक ने दिखाया, या स्टॉक 2020 में टीम में शामिल था, इवन टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स भी 2020 की टीम में शामिल था, 6% ऊपर जाकर बंद हुआ, इंट्राडे में इसने भी आज 10% का अपर सर्किट लगाया। एनएफएल में अच्छी खबर के चलते देखिए एक बढ़िया मूव देखने को मिला है और अच्छा आउट परफॉर्मेंस एसबीआई लाइफ ने भी दिखाया, इवन सुंदरम फाइनेंस देखिए 9% ऊपर जाकर बंद हुआ। ये कुछ आइडियाज हैं जो आज आपको सीएनबीसी आवाज पर आते हुए दिखे थे। स्पार्क सनफार्मा के नतीजों के बाद इसमें भी एक मूव आया और केडला हेल्थ केयर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, या नीएच की स्टॉक 2020 की टीम में ओपनर भी था, कैप्टन चॉइस का दर्जा भी दिया गया था इसे, नतीजे बाजार बंद होने के बाद बहुत शानदार आए थे, ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको अपग्रेड किया था इसलिए भागता हुआ ये नजर आया, और इसके साथ साथ दूसरे फार्मा स्टॉक्स भी आज थोड़ा उछलते हुए नजर आए जिनके आगे नतीजे आने वाले हैं। तो ये कुछ कमाई के आइडियाज थे जो दिए गए थे सीएनबीसी आवाज पर। बहुत ही फैंटास्टिक दिन, 3 दिनों की गिरावट के बाद कल बाजार संभले और आज दूसरे दिन लगातार देखिए दौड़ लगा ते हुए 11,800 के ऊपर जाकर जो क्लोजिंग हुई है वीरू बहुत ही फैंटास्टिक क्लोजिंग मानी जाएगी। जी हां, बहुत ही आप देखें शानदार क्लोजिंग, और अच्छी बात है कि अर्निंग्स का जो अगर आप देखें पुश था ना वो इस क्लोजिंग के पीछे था। एक बार फिर से एचडीएफसी का मूव देखिए आप, सन फार्मा का मूव देखिए आप,
सबने अच्छा खासा ग्राफ देखे मूव दिया। आज का टॉप ओआई गिनर ग्राफ देखे, जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा वेरिएशन हुआ वो था कैडिला 436 90 की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग ओआई फॉर टुमारो एज वेल। उसके बाद अगर आप देखें एक स्टॉक था पावर ग्रिड 178.65 पे जाके क्लोज हुआ, लेकिन ये आज का तीसरा टॉप ओआई गिनर था, काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप रहा यहाँ पे। बैंकिंग बास्केट में आप देखें तो आरबीएल बैंक ये 184.15 पे क्लोज हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव, और चौथा टॉप ओआई गेनर डाबर जिसको अर्निंग्स का पुश मिला वॉल्यूम्स के अगर आप देखें फिगर्स से, वाकई स्ट्रीट काफी इंप्रेस हुई। वही केस था जो एग्जैक्टली अगर आप देखें मेरिको में हुआ था, 518 डी हाई की ट्रैजेक्टरी पे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके बंद हुआ ये। उसके बाद एमआरएफ फ्रॉम ऑटो स्पेस टायर स्पेस 67573 यानी कि 67573 पे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके आज क्लोज हुआ है। पीवीआर कुछ देर पहले अगर आप देखें नीरज जी ने जो खबर ब्रेक की थी उसके चलते इसमें आखिरी में एक टिक में अगर आप देखें कोई कुछ ओआई रिशन हुआ, और साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1351 पे अच्छा खासा ओआई लेकर ये कल के सेशन के लिए बंद हुआ। और अपोलो टायर्स भी अगर आप देखें कैसा स्टॉक रहा जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग ओआई रिशन कल के लिए हुआ है। आइए देखते हैं कि आज जो दोनों खिलाड़ी थे सुबह सुबह स्टॉक 2020 में उनके रिटर्न्स कैसे रहे, टीम का कॉम्बिनेशन आपको मालूम ही था। हेमंत ने आज जब पहले शुरू बदलाव लगाया था और नीरज जी ने न्यूज फ्लो के आधार पर आप देखिए अपनी टीम का गठन किया था, आज बनाई थी वो टीम स्ट्रक्चर्स का वो था। हेमंत करीब 7% 1.37% और साथ ही साथ नीरज जी की टीम में करीब 2.68% का स्विंग यानी करीब 3% का स्विंग आज मिला है। देखते हैं आज दोनों खिलाड़ियों की टीम में स्टॉक्स, गुलशन पॉली अगर आप देखें यहाँ पे करीब 10% का प्रॉफिट लगा कैडिला हेल्थ आज फार्मा में, इसने वाकई जान फूकी। और उसके बाद देखिए ओपनिंग में कैडिला ने कमाल किया, उसके बाद क्लोजिंग में सन फार्मा ने लगभग 6.5%, पिलानी लगभग 4% और ऑटोमोटिव एक्सेल्स लगभग 7% ऊपर रहा आज। हेमंत की टीम लिखे आई देखिए, फर्टिलाइजर ने आज पूरे दिन इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया कि पूछिए मत। हालांकि टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स इनको करीब 5.6% का, डीलिंग लगभग 5.5% का, चंबल फर्टिलाइजर लगभग 2.5% का और जेके सीमेंट्स लगभग 7% का स्विंग देखे गया। तो ये बहुत शानदार क्लोजिंग थी याद रखिएगा दोनों टीम्स की, और साथ ही साथ निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। और अब यहां से आगे बड़ा ग्लोबल इवेंट है, उस पर हम कल सुबह फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे मुनाफे की तैयारी में हेमंत और मैं, और एक ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव लेके खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे सुबह सुबह 8 बजे, और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसका जो नया पड़ाव है उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज की क्लोजिंग नो डाउट बेहतरीन रही, और कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज बैंक निफ्टी एक बार फिर से 790 अंक ऊपर। दिवाली ये बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट अगर इंतजार कर रहा है। कमोडिटीज में क्या हो रहा है? कमोडिटीज में भी वॉलिटी है विदिन, लेकिन आपने ज्वेलरी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखी है? जी हाँ, टाइटन डे हाई पर तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा एक्शन है कहाँ। तो ज्वेलरी मार्केट में एक्शन है और फेस्टिव सीजन के मद्देनजर काफी अच्छी खरीदारी हो रही है। हालांकि अगर M6 की बात करें तो वहां भी बाइंग हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखिए, क्रूड इनफैक्ट एक बड़ा हाईलाइट है जहां पर काफी उथल पुथल व्यू हम देख रहे हैं, और आज 4% ऊपर बंद हुआ है रिसेंट फॉल के बाद। तो इसी पर फोकस रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद, कमोडिटी राउंडअप में, और जानेंगे स्ट्रेटजी एक्सपर्ट्स की।